चलो 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 शुरू करते हैं। अब वो मैं एक दो लाइन जो मैंने बोली थी फिर से आपको बता देता हूँ। मैंने कहा था कि मैंने आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया हुआ था, वो क्वेश्चन मैं आपको भी सॉल्व करके बताऊंगा। आई होप कि आप सारे बच्चों ने सॉल्व किया होगा उस वाले क्वेश्चन को। वो क्वेश्चन गेट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था। और अभी जो है मैं पहले आपको सिखाने वाला हूँ इनवर्स ऑफ 3x3 मैट्रिक्स, ठीक है। तो जो पहला जो टास्क है वो है इनवर्स ऑफ 3x3 मैट्रिक्स, जो हम लोग अभी सीखने वाले हैं, ठीक है। तो आप हेडिंग डाल दीजिए कॉपी में, इनवर्स ऑफ 3x3 मैट्रिक्स। लास्ट वाली क्लास में किसी बच्चे ने पूछा था कि सर 3x3 का इनवर्स बता दीजिएगा। हाँ, राइट आंसर एक था संजीव, तो वो मैं अभी आपको डिलीवर करने वाला हूँ। Got it. चलो बच्चे लोग सुनते हैं। ए इनवर्स मैंने पिछली क्लास में आपको बता दिया था। ए इनवर्स होता है दरअसल एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए। ए इनवर्स दरअसल ये होता है, आगे बात पकड़ में। ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए, ये होता है ए इनवर्स। ये बात एक्सेप्ट करते हैं अपन। अब किसी बच्चे ने बीच में पूछा था कभी कि सर कोफैक्टर क्या होता है, तो बच्चे कोफैक्टर ना दरअसल एडजॉइंट में आएगा, तो वो मैं आपको भी डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो समझो जरा मैं अभी क्या करने वाला हूँ। मैं अभी समय लेकर बहुत डिटेल में मैं आपको पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकालना सिखाऊंगा। क्यों सर? क्योंकि हो सकता है ना कभी कभी क्वेश्चंस में ना वो कोफैक्टर कैसे, इसका पर्टिकुलर एलिमेंट का कोफैक्टर क्या होगा ये भी वो पूछ ले। तो आपको ना जब एडजॉइंट ऑफ ए निकालना आएगा ना तो कोफैक्टर भी बीच में आ ही जाएगा। आगे बात समझ में? तो मैंने अभी पर्पसली समय लेने वाला हूँ ए इनवर्स डिटेल में बताने के लिए। हो सकता है मैक्सिमम बच्चों को ये आता हो, लेकिन कुछ नहीं होता, एक बार और सुन लेते हैं, सुनने में कोई खराबी नहीं है, एक घड़ी ख्याल हो जाएगा बस आपको, ठीक है। चलो बच्चे लोग, तो अभी क्या करने वाला हूँ मैं आपको डिटेल में एडजॉइंट ऑफ ए निकालना सिखाऊंगा, एग्री? तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं फॉर एग्जाम्पल एक नया मैट्रिक्स सोच लेता हूँ। ये मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर सोचा। लेट से मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2-1, 0, which is 0, 1, 2, which is 1, 1, 0। ये मैंने क्या किया बच्चे लोग, एक मैट्रिक्स सोच लिया है, एग्जाम्पल है बस ये ए, जिसका फॉर एग्जाम्पल मुझसे क्वेश्चन में ए इनवर्स पूछा जा रहा है, ठीक है। तो मैं उसको ए इनवर्स निकाल के बता दूंगा, लेकिन ए इनवर्स का फंडा होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए। तो इसका जब आप मॉड निकालेंगे तो आई होप कि डिटरमिनेंट तो सारे बच्चों को निकालना आ गया होगा, इसके पहले वाली क्लास में मैंने सिखाया था कैसे निकालते हैं। तो जैसे अब इसका मॉड ऑफ ए निकालोगे तो आएगा 6, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, आप उसे निकाल कर देखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, मॉड ऑफ ए निकालना आता है सारे बच्चों को, मैं निकालने बताने वाला हूँ एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो देखो किसी भी ना बच्चे मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकल जाता है, बहुत आराम से निकल जाता है, लेकिन उसके लिए ना एक प्रोसीजर फॉलो करना होता है, वही वाला आपको एग्जैक्टली हम अभी प्रोसीजर बताने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो ब्लू कलर में जो मैं अभी लिखूंगा ना बच्चे आपके लिए, वो मैं उसका प्रोसीजर लिखने वाला हूँ। इत्मीनान से फोकस कीजिएगा और समझते जाइएगा चीजों को। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना होता है, हर एक एलिमेंट का ना को फैक्टर निकालना होता है। तो जब से पहला एलिमेंट क्या है, जैसे यहाँ पर 2 है, तो मैं अभी निकालूंगा को फैक्टर ऑफ 2, ऐसे लिखा जाता है। बात ही समझ में? अब जरा बात को समझना, को फैक्टर निकालने का फंडा क्या है। को फैक्टर निकालने का फंडा यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, एक बार इत्मीनान से देख लीजिएगा। को फैक्टर निकालने का फंडा बहुत ही आसान है, को फैक्टर ऑफ ए एम एन इज इक्वल टू -1 की पावर एम प्लस एन, और उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हमको लिखने होते हैं। वो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होते हैं, इस एग्जाम्पल में बताऊंगा, ठीक है। तो देखो मैंने क्या लिखा है, को फैक्टर ऑफ ए एम एन, मतलब ए एम एन मतलब उसकी ऑर्डर है एलिमेंट की, -1 की पावर एम प्लस एन, मतलब जैसे मान लिया मेरे को फैक्टर ऑफ 2 निकालना है। सुनते जाना बच्चों लोग ध्यान से, को फैक्टर ऑफ मुझे 2 निकालना, तो आप 2 की पहले पोजिशन देखो, हमारे हिसाब से 2 की जो पोजिशन है वो A11 है। एक्सेप्ट करते हैं ए फॉर एग्जाम्पल है, उसका ऑर्डर है 1, पहला रो पहला कॉलम, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, -1 की पावर 1+1, जैसे यहाँ पर हुआ था ना ए एम एन में -1 की पावर एम प्लस एन, बिल्कुल वैसे यहाँ पर हो जाएगा -1 की पावर 1+1। ये बात आ गई बच्चों को समझ में, कंफर्टेबल है यहाँ तक अपन? चलो आगे बढ़ रहे हैं, इसी के आगे कन्वे कर रहे हैं। अब उसके मेरे को क्या लिखने होते हैं भाई, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स लिखने होते हैं। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कैसे मिलते हैं सर, जो भी इसकी लाइन में आ रहा होगा सब कैंसिल कर दीजिएगा, जो भी इसकी लाइन में आ रहा सब कैंसिल कर दीजिए, और जो बच गया, जो बच गया वो उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हो जाएगा। तो ये हो गया इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, वो यहाँ पे लिख देता हूँ, विच इज 1, 2, 1, 0, इस तरीके से, पता चला आपको। तो जैसे ही अब आप ना इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा मेरे को, देखो जरा, -1 की पावर 1+1 मतलब हो गया -1 की पावर 2, एग्री? और जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो जाएगा 0, डिटर्मिनेंट लगा रहा हूँ उसमें -2,
एक्सेप्टेड, तो ये हो जाएगा वन, और जीरो और माइनस टू बन जाएगा माइनस टू, तो ये बन जाएगा माइनस टू। आगे बात समझ में, तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है कोफैक्टर ऑफ टू बन गया माइनस टू। तो हो सकता है एग्जाम में ना कभी डायरेक्ट यही पूछ ले, कोई एक मैट्रिक्स आपको गिवन कर दे और बोल दे कि भाई किसी पर्टिकुलर एलिमेंट, जैसे मैंने अभी टू का कोफैक्टर निकाला था, टू का कोफैक्टर बता दो, तो टू का कोफैक्टर आपको माइनस टू वहां पर टिक करके आना है। तो मैं क्या करूंगा, एडजॉइंट ऑफ फिर मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा माइनस टू। ये वाली बात पता चली, कंफर्टेबल अपन। चलो एक बार और सीखते हैं, दो तीन एलिमेंट और करके बताऊंगा ताकि आपको अच्छे से अंदाजा लग जाए। अब मैं निकालने वाला हूँ बच्चे लोग को फैक्टर ऑफ माइन, टू का निकाल लिया, अब मैं निकालूंगा माइनस वन का, मैं इसका को फैक्टर निकालूंगा, ठीक है, को फैक्टर ऑफ माइनस वन, ये मैं भी निकालने वाला हूँ। सवाल ये है कि माइनस वन की पोजिशन क्या है, माइनस वन पहले रो में आ रहा है इसलिए ए वन, लेकिन दूसरे कॉलम में आ रहा है इसलिए टू, ए वन टू, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस वन की पावर वन प्लस टू। ये बात पता चली आपको। अब उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट तो क्या करते हैं, इसकी लाइन में जो होता है सब छोड़ देंगे, ये पूरी लाइन का, ये पूरी लाइन का छोड़ देंगे, तो क्या क्या बचेगा, जीरो बचेगा, टू बचेगा, जीरो बचेगा और वन बचेगा, है ना। तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं जीरो टू वन जीरो, इस तरीके से बात आई समझ में। तो जैसे ही मैं इसको आगे सॉल्व करूंगा तो जाएगा माइनस वन की पावर थ्री, विच वन इज जीरो, माइनस टू, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस वन और यहाँ पर है माइनस टू, दोनों का मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मेरे को मिल जाएगा प्लस में टू। अब इस वाली बात को सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और आपको ये वाली बात सीखनी है भाई इत्मीनान से, सुनना जरा क्या कन्वे कर रहे हैं। कन्वे दरअसल बच्चे ये किया जा रहा है कि जब हम लोग रो वाइज सॉल्व करते हैं तो एडजॉइंट भरने के लिए कॉलम वाइज भरा जाता है, जरा इतना समझना, इसमें उल्टा होता है। जब आप रो वाइज सॉल्व करेंगे तो फिलिंग कॉमल कॉलम वाइज करेंगे, इसी का उल्टा भी पॉसिबल, वाइस वर्सा भी पॉसिबल है। जब कॉलम वाइज सॉल्व करेंगे तो फिलिंग रो वाइज होती है, ये वाली बात सबसे इंपॉर्टेंट है, और यही वाली बात हम लोग भूलते हैं और इसीलिए एग्जाम में एडजॉइंट हमारा गलत हो जाता है, ठीक है। आपको क्या ध्यान रखना है, क्योंकि मैं रो वाइज सॉल्व कर रहा हूँ, मैंने रो का पहली रो का पहला एलिमेंट लिया, पहली रो का दूसरा एलिमेंट लिया, तो जब मैं फिलिंग करूंगा ना तो फिर मैं कॉलम वाइज करूंगा। मतलब ये कि माइनस वन का जो एडजॉइंट है ना बच्चे, माइनस वन का जो एडजॉइंट है ना वो यहाँ पर लिखा जाएगा, सीखो इस वाली बात को। माइनस वन यहाँ था लेकिन उसका एडजॉइंट यहाँ पर, सबको फैक्टर यहाँ पर लिखा मैंने, ठीक है। हाँ बच्चे प्रियांशी बिल्कुल सच बात है, ट्रांसपोज लेना होता है, एग्री। चलो एक बार फिर से और करके बताता हूँ, इत्मीनान से सुन लो। अब मैंने क्या निकालने वाला हूँ सर, अब मैंने इस ए वन थ्री का कोफैक्टर निकालने वाला हूँ, तो मैं आपको अभी निकाल के बताऊंगा। हाँ बच्चे कोफैक्टर उसका ट्रांसपोज लेते हैं, एकदम सच बात है। तो कोफैक्टर ऑफ जीरो, अब मैं कोफैक्टर ऑफ जीरो निकालने वाला हूँ, ये है ए वन थ्री, पता चला, उसकी पोजीशन देखनी होती है, पोजीशन है ए वन थ्री, तो हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस वन की पावर वन प्लस थ्री। वन प्लस थ्री कैसे आ रहा है पता चल रहा है बच्चों को, क्योंकि उसकी पोजीशन है ए वन थ्री, एक्सेप्टेड। अब उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सारे के सारे ले लेता हूँ, तो उसके लिए क्या क्या बचेगा, जीरो वन वन वन, ठीक है, तो ये हो जाएगा जीरो वन वन वन, ठीक है। जैसे ही आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो जाएगा माइनस वन की पावर में है फोर, एंड विच इज जीरो एंड विच इज माइनस वन, माइनस वन की पावर फोर तो प्लस वन हो जाएगा, लेकिन जैसे माइनस होता है माइनस वन लिखाएंगे। अब जरा समझना, ये जो जीरो है इसका को फैक्टर जो है विच इज माइनस वन, और उसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, जरा गौर कीजिए मैंने कैसे लिखा है, पता चला बच्चों को, एक्सेप्टेड ये वाली बात एकदम। इतमान से सुनना, कभी कभी ना बच्चे लोग इस वाले मिथ में भी चले जाते हैं कि भाई जीरो का कोफैक्टर तो जीरो ही आएगा, नहीं जरूरी नहीं है कि जीरो का कोफैक्टर जीरो है, देख लो यहाँ पे माइनस वन आया है। तो मैंने ना आपको ना तीन एलिमेंट के कोफैक्टर निकालना सिखा दिया है, आई होप कि आप सारे बच्चों को ये क्लियर हो गया होगा, है ना। अभी तीन और एलिमेंट, मतलब मैं टोटल भी छह एलिमेंट के कोफैक्टर और निकालूंगा, तो ये दिन भर का काम है, वो मैं अभी यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ सीधा सीधे डेटा लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको फाइनल स्टेप बता सकूं। तो अब आपको ना बाकी के तीन का कोफैक्टर खुद ही निकालना है, रो टू का और रो थ्री का कोफैक्टर खुद ही निकालना है, और यहाँ पे पुट करना है, मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूँ, आराम से आप देख लीजिए, जीरो जीरो माइनस थ्री एंड विच इज माइनस टू, माइनस फोर एंड टू। मैंने क्या किया, मैंने आपको ना एक का कोफैक्टर, एक रो का कोफैक्टर निकालना सिखाया, बाकी दोनों को यूं ही कॉपी कर दिया, क्यों सर वो दिन भर का काम है, इतना मेरे पास टाइम थोड़ी है बैठ के एकदम लगा हुआ और कोफैक्टर निकाल रहा हूँ एकदम। आगे चलते हैं, तो फाइनल जब आपको ए इनवर्स लिखना होगा तो ए इनवर्स का फॉर्म क्या होता है बच्चे लोग, ए इनवर्स का फॉर्म होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए, मतलब क्या होगा, ये सारा का सारा एडजॉइंट कॉपी होगा, माइनस टू प्लस टू माइनस वन, जीरो जीरो माइनस थ्री माइनस टू माइनस फोर टू, है ना, और वहां पर डिवाइड में आ जाएगा सिक्स,
इस तरीके से। तो ये है दरअसल प्रॉपर एकदम फाइनल वाला ए इनवर्स, दिस इज द फाइनल वाला ए इनवर्स, ये है। आगे बात समझ में, यहाँ तक कंफर्टेबल अपन लोग, ओके है सारे बच्चों को? एक बार कमेंट सेक्शन मेंशन कर दीजिए, अगर ओके है तो डॉट डाल दीजिए, कोई डाउट है तो फटाक से पूछ लीजिए। ओके है सारे बच्चों को? हर्ष, श्वेता, आयुषी, अंजलि, आस्था, संजय, राज, गौरव, सारे बच्चों को क्लियर है? सियानी, ठीक, हाँ अभिषेक, सिक्स रहेगा डिवाइड में। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, चलो शाबाश। तो मैंने बच्चे आपको अभी क्या बताया, मैंने आपको ना ए इनवर्स का ना आपका एक स्कूल वाला फॉर्म बताया, आप ए इनवर्स ना इसी तरीके से स्कूल में निकालते थे, ठीक है? अब ये जो तरीका है ना बच्चे, लेकिन ये जो तरीका है ना बच्चे, लेकिन हाँ बच्चे, डिटर्मिनेंट -6 है तो यहाँ पे -6 पुट हो जाएगा। ये जो तरीका है ना, लेकिन ये तरीका सुपर लेंदी है, यहाँ पे -6 आएगा, डिटर्मिनेंट -6 है, तो -6, ठीक है? ये जो तरीका है वो सुपर लेंदी है, पॉइंट है समझ में? अब क्योंकि ये तरीका सुपर लेंदी है, तो मैं ना एग्जाम में ना फिर से सॉल्व करेंगे मैट्रिक्स का। अच्छा मैं आपको ना दूसरे तरीके से सॉल्व करके बताता हूँ, और एकदम फिर से सॉल्व करके बताऊँ, तो मैं अभी आपको क्या देने वाला हूँ बच्चे, मैं आपको ना इसी वाले ना मेथड की ना बॉटम लाइन देने वाला हूँ। अब बच्चों अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैं ये वाला क्वेश्चन आपको दोबारा से सॉल्व करके बताऊंगा, लेकिन एक नए मेथड से, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं चेंज कर रहा हूँ, चलो चलिए। नाउ वी आर गोइंग फॉर दिस, हाँ बच्चे लास्ट में आपको संजय पूरा का स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है? चलो अभी इत्मीनान से बैठो, बढ़िया एकदम सोफे में लेट जाओ और सिर्फ कथा सुनो भगवान राम की, कि क्या चल रहा है। चलिए सुनते हैं, हम लोग क्या करने वाले, हम लोग फिर से इसका इनवर्स निकालने वाले हैं, लेकिन आपको टेक्निक बस दूसरी बताएंगे, ठीक है? तो इनवर्स निकालने का जो मेथड है वही रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होता है। इनवर्स निकालने का मेथड होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए। मैं जानता हूं कि जो इन मॉड ऑफ ए है वो किस तरीके से निकाला जाता है, बीबी इसके पहले मैंने निकाल के था, वो आता है -6। बात है सिर्फ ये एडजॉइंट निकालने की, ठीक है? तो मैं क्या करने वाला हूँ बच्चे, इत्मीनान से सुनना, क्योंकि एडजॉइंट निकालना जो हमको हमारे स्कूल में सिखाया जाता है वो सुपर लेंथी प्रोसेस होता है, तो मैं आपको ना अभी एक ट्रिक के थ्रू एडजॉइंट निकालना दोबारा से सिखाने वाला हूँ। आगे बात समझ में? तो हम लोग क्या करने वाले हैं अभी, एक ट्रिक के थ्रू एडजॉइंट निकालना दोबारा से सीखने वाले हैं, ठीक है? अब आपको दोबारा से स्क्रीन पर फोकस बना के रखना है, और मेरी सलाह है कि अगर इसके पहले वाला मेथड किसी बच्चे को समझ में ना भी आए तो भी परेशान मत होना, अब जो मैं कन्वे कर रहा हूँ ना बच्चे उसे इत्मीनान से सुन लेना। क्यों सर? क्योंकि ये वाली चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपको एग्जाम में जो मैं अभी कन्वे करने वाला हूँ बिल्कुल ऐसे ही काम करना है। आगे बात पकड़ में? तो आप हमको अभी क्या बताने वाले हैं सर? मैं बच्चे आपको बताने वाला हूँ एडजॉइंट ट्रिक में कैसे निकाला जाता है, मैं आपको वो बताने वाला हूँ। आ गई बात पकड़ में? ठीक है, तो चलो इत्मीनान से सुनते हैं। तो क्या करना होता है जरा इत्मीनान से सुनो। सबसे पहला जो स्टेप है बच्चे लोग, वो आपका पहला स्टेप है कि आप ना उस मैट्रिक्स को सबसे पहले तो कॉपी कर दीजिए, ठीक है? उस मैट्रिक्स को आप कॉपी कर दो। तो मैट्रिक्स क्या है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 2 -1 0 विच इज 0 1 2 विच इज 1 सॉरी विच इज 1 1 0, ठीक है? तो पहला स्टेप होता है कि आप क्या करेंगे, उस मैट्रिक्स को कॉपी करेंगे, ठीक है? अब दूसरा स्टेप कन्वे करो, आपको कॉलम 1 और कॉलम 2 को फिर से कॉपी करना है। मैंने दूसरी बात क्या बताई, कॉलम 1 और कॉलम 2 को कॉपी करो, ये है कॉलम 1, ये है कॉलम 2, उसे कॉपी कर दो। तो कॉलम 1 कॉपी करो तो कैसे देखेगा, 2 0 1 -1 1 1, ठीक है? ये हो गया दूसरा स्टेप। पहला स्टेप था मैट्रिक्स को कॉपी करना, दूसरा स्टेप था कॉलम 1 और कॉलम 2 को कॉपी करना। थर्ड स्टेप है बच्चे लोग कि आपको रो 1 और रो 2 को कॉपी करना है, ये है रो 1, ये है रो 2, रो 1 और रो 2 को कॉपी करना है आपको। मैं कॉपी कर रहा हूँ, 2 -1 0 2 -1, फिर से 0 1 2 0 1। आई होप कि आप सारे बच्चों को जो पिंक कलर और जो ब्लैक कलर में लिखा हुआ है वो सारी की सारी बात समझ में आ गई होगी,
एग्री यहाँ तक सारे बच्चे लोग? कुछ नहीं करना, सिर्फ कॉपी कॉपी करना था, ठीक है? अब मैं फोर्थ स्टेप बताने वाला हूँ, स्टेप रिपीट कर रहा हूँ, इत्मीनान से सुन लीजिएगा। पहला स्टेप था मैट्रिक्स को कॉपी करो, जो कि ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रहा होगा। दूसरा स्टेप था कि भाई कॉलम वन और कॉलम टू को कॉपी करो, जो कि आपको पिंक कलर में दिखाई दे रहा होगा। और जो तीसरा स्टेप था वो रो वन और रो टू को कॉपी करना था, जो कि आपको ब्लैक कलर में दिखाई दे रहा होगा, ठीक है? अब मैं आपको फोर्थ स्टेप कन्वे करने वाला हूँ, जरा इतना से सुन लीजिएगा। फोर्थ स्टेप बता रहे हैं, फोर्थ स्टेप है कि आपको रो वन, फोर्थ स्टेप है कि आपको रो वन और कॉलम वन को पूरी तरह से कैंसिल कर देना है। दिस इज द फोर्थ स्टेप, आपको रो वन और कॉलम वन को कंप्लीटली कैंसिल कर देना है। ये बात समझ में आ गई बच्चों को? यहाँ तक कंफर्टेबल है अपन? अब इसका फाइनल स्टेप, लास्ट लाइन बता रहा हूँ, ठीक है? एकदम फाइनल स्टेप, आपको क्या करना है, आपको अब सिर्फ डिटरमिनेंट निकालते जाने, ठीक है? दो दो की जोड़ी बनाइए, डिटरमिनेंट निकालते जाए। कैसे निकालते सर डिटरमिनेंट? अपन इसको मल्टीप्लाई करते हैं और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है? जब वन और जीरो को मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो हो जाएगा, फिर माइनस साइन लगेगा, वन इंटू टू आ जाएगा माइनस टू। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ माइनस टू, ठीक है? अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में फिर ये दोनों सॉल्व होंगे ऐसे, टू वन जा टू, जीरो वन जा जीरो, एग्री? तो यहाँ पर आ जाएगा टू, अभी दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये हो जाएगा जीरो और ये हो जाएगा वन। तो अब यहाँ पर देखो, अच्छा इस वाली बात को जरा समझना, चलो ये वाली बात इंपॉर्टेंट, ये वाली गलती अपने को नहीं करनी है, ठीक है? मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम लोग ना रो वाइज सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है? तो जैसे आपने इसको सॉल्व किया तो मिला टू और इसको सॉल्व किया तो मिला जीरो, एक्सेप्टेड। जब रो वाइज सॉल्व करते हो आपको कॉलम वाइज फिर फिल करना होता है, वही ट्रांसपोज देने वाली बात है। तो ये आ जाएगा टू और वो जाएगा जीरो, तो यहाँ पर आ जाएगा टू, एग्री? फिर यहाँ पर आ जाएगा जीरो और यहाँ पर आ जाएगा वन, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस वन। अगली बार समझ में, एक बार फिर से देखते हैं, दोबारा से समझा रहा हूँ, एक बार फिर से सुन लो। मैं रो वाइज सॉल्व कर रहा हूँ, अब मैं ये वाली रो को पकड़ रहा हूँ, ठीक है? डिटरमिनेंट निकालूंगा तो ये आ जाएगा जीरो और ये भी आ जाएगा जीरो। तो मैं रो वाइज सॉल्व करूंगा तो कॉलम वाइज फिल करूंगा, इतना ही बस करना है। तो विच इज जीरो एंड विच इज जीरो, रो वाइज सॉल्व कर रहा हूँ इसलिए कॉलम वाइज फिल कर रहा हूँ। एंड दिस इज जो है मेरे पास, विच विल कितना बन रहा है, ये बन रहा है मेरे पास माइनस वन और ये बन रहा है मेरे पास विच इज टू। तो माइनस वन एंड माइनस टू हो जाएगा माइनस थ्री, ठीक है? अगला मैं सॉल्व कर रहा हूँ थर्ड वाली रो के लिए, मैं थर्ड वाली रो के लिए सॉल्व करने वाला हूँ, ठीक है बच्चे? ध्यान दीजिएगा। तो फिर से इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो जाएगा माइनस टू और इसका जाएगा जीरो, तो यहाँ पर पुट हो जाएगा माइनस टू। सॉल्व कर रहा हूँ रो वाइज, फिल कर रहा हूँ कॉलम वाइज, ठीक है? दिस वन इज जीरो एंड दिस वन इज माइनस फोर, ये रहा। और फिर ये देखो जरा, दिस वन इज टू एंड दिस वन इज जीरो, तो यहाँ पर आ जाएगा टू। सॉल्व किया रो वाइज, फिल किया कॉलम वाइज, एक्सेप्टेड, ठीक है? अब ये निकल गया मेरा एडजॉइंट ऑफ ए। अगर आप पिछली वाली स्लाइड में जाकर देखोगे ना, देखो पिछली स्लाइड दिखा रहा हूँ आपको, तो ये मैंने एडजॉइंट ऑफ ए बड़ी मेहनत से निकाला था, दिखाई दे रहा है बच्चे लोग को? ये जरा एक बार इत्मीनान से देख लीजिए, ये मैंने एडजॉइंट ऑफ ए बड़ी मेहनत से निकाला था, ये पूरा पेज भर दिया था और उसमें भी मैं सिर्फ तीन ही एलिमेंट का निकाल पाया था, बाकी का तीन तो मैं बैठ के कॉपी कर दिया। पॉइंट आ रहे तो समझ में, मतलब मैं एक ही रो का निकाला, बाकी रो तो निकाला भी नहीं। बोले क्या बोला था मैं, दिन भर का ये काम नहीं है भाई, है ना? लेकिन अब इस वाले मेथड से आप अगर देखो, जो भी मेथड मैंने कन्वे किया, तो उतने ही टाइम में जिसमें आपने वहां पर तीन एलिमेंट निकाले थे, यहाँ पर आपने सारे के सारे नौ एलिमेंट का एडजॉइंट फाइंड आउट कर लिया। और आप मैच कर लीजिए, पूरा एकदम सेम टू सेम भी निकला है, पूरा मैच कर लीजिए, एकदम कॉपी दिखेगा आपको। तो जो मैंने अभी आपको मेथड बताया, ये मेथड आपके एग्जाम में समय बचाएगा बहुत, है ना? और एग्जाम में बच्चे लोग इनवर्स पूछा जाता है और ये आपको सीखने भी है। तो अगले स्टेप में क्या होगा सर, इनवर्स निकालेंगे? कुछ नहीं होगा, इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए होता है। तो मॉड ऑफ ए था वन अपॉन मॉड ऑफ ए था माइनस सिक्स, हो गया वन अपॉन माइनस सिक्स और यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए जो है अपना कॉपी हो जाएगा। तो जैसे ही आप एडजॉइंट ऑफ ए यहाँ पर जैसे कॉपी करते हैं तो आ जाएगा माइनस टू जीरो माइनस टू, टू जीरो माइनस फोर, माइनस वन माइनस थ्री टू, ठीक है? ये इसका राइट आंसर है। अभी बस समझ में, अगर किसी बच्चे को डाउट है तो अभी आप मेरे से पूछ लीजिए कमेंट सेक्शन में, एल्स डॉट कर दीजिए, मैं समझ जाऊंगा बच्चों को, एकदम क्लियर हो गया। मीठा देगा। किसी बच्चे ने ना मेंशन किया था कि ऑडियो का उनको ट्रबल आया था, तो बच्चे हाँ मैं माइनस सिक्स एक बार बता देता हूँ, तो मैं उनके लिए एक बार पॉइंट कन्वे कर रहा हूँ कि बच्चे ऑडियो चला गया था तो क्या करें आपको बच्चे, वो तो क्या, हाँ शिवम बच्चे बिल्कुल मेरे को ही मजा आया बच्चे, आपको वो तो क्या रिकॉर्डिंग, जिन बच्चों को थोड़ा वॉइस में दिक्कत आ गई होगी। हाँ एकदम सुनील, आप जबरदस्त बच्चे, कैसे समझ जाते सुनील इतना सारा एक ही बार में, थोड़ा कम कम समझना है ना।
समीर एक बार बता दो क्या जल्दी जल्दी। चलो ठीक है जल्दी से एक बार बता देता हूँ। A32-4 होगा, A32-4 कहाँ है भाई, -4 32-3 है ना भाई, तो -3 तो निकालो। यश ठीक तो लिखा हूं बच्चे, चलो सियानी बच्चे समीर एक बार जल्दी से बता देता हूँ सुनो। तो चलो एक बार रिपीट कर रहा हूँ, एक बार सुन लीजिए वो दोनों बच्चों के लिए, थोड़ा सा उनको जो है हो सकता है ऑडियो की जैसे दिक्कत आ गया, कोई बात नहीं। तुम ना वो रात में अपना पूरा वो खत्म कर देते होगे नेट पैक वीडियो चला चला के, तो सुबह क्लास के लिए कुछ बचता नहीं होगा, डांटता हूँ दोनों बच्चों को। चलो सुनो एक्सप्लेन कर एक बार सुनते, देखो एक बार फिर से बता रहा हूँ क्या करना होता है, स्टेप स्टेप सुन लेते हैं। सबसे पहला स्टेप है कि मैट्रिक्सेस को कॉपी करना है, तो मैंने मैट्रिक्सेस कॉपी कर लिया था। दूसरा स्टेप ये है कि C1 और C2 को कॉपी करना है, तो C1 और C2 कॉपी कर दिया था। तीसरा स्टेप ये है कि R1 और R2 कॉपी करना है, तो R1 R2 कॉपी कर दिया था, है ना। फिर चौथा स्टेप है कि पहली रो और पहले कॉलम को कैंसिल करना है, तो पहली रो और पहले कॉलम को भी कैंसिल कर दिया गया था, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना होता है सर, एडजॉइंट निकालने के लिए जो बचे हुए एलिमेंट है उसमें ऐसे रो वाइज अपन सॉल्व करेंगे, आप कॉलम वाइज भी कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं, रो वाइज अपन सॉल्व करेंगे। ये डिटर्मिनेंट निकाला सैनी बच्चे सुनना समीर, ये डिटर्मिनेंट निकाला 1 × 0 0 विच इज -2, तो ये लिख दिया -2, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट निकाला विच इज 2 विच इज 0, तो ये आ जाएगा 2, तो ये लिखा हुआ है 2, ठीक है। तो इस वाली बात का बस ध्यान देना होता है बच्चे कि जब हम लोग रो वाइज फिल करते हैं ना, तो कॉलम वाइज यहाँ पे भरना होता है, रो वाइज सॉल्व करोगे तो कॉलम वाइज फिल करना। अगले स्टेप में सैनी को आ गया समझ में, शाबाश। फिर ये जो दोनों है ऐसे मल्टीप्लाई होंगे, 0 और ये हो जाएगा 1, तो 0 और -1, तो ये आ गया -1। देखो मैंने रो वाइज सॉल्व किया, क्लियर हो गया समीर को भी, और कॉलम वाइज मैंने फिल किया। और वैसे ही फिर R2 के लिए करना, वैसे ही R3 के लिए करना, सेकंड्स में सॉल्व हो जाएगा, बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। मैं बच्चे लोग आगे बढ़ जाऊं, सारे बच्चे लोग क्लियर हो गया सारे बच्चों को एकदम पक्के से, मजा आया, कंफर्टेबल है अपन। अब वो बच्चे कुछ कह रहे थे ट्रांसपोज वगैरह करेंगे, लेकिन वो भाग गया ऊपर। उसका आपका जो चैट चैट ऊपर चला गया, एक बार फिर से टाइप कीजिए, तो जब तक मैं बच्चों को एक क्वेश्चन दे देता हूँ। आपके लिए एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, जिसका आपको अभी ए इनवर्स फाइंड करना है, ठीक है। फाइंड ए इनवर्स, ये आपके लिए क्वेश्चन, 4x4 में भी अप्लाई हो सकता है क्या, सब में श्रेया जी सब में। वन जीरो माइनस वन, टू वन माइनस वन, टू थ्री टू। अब आप सॉल्व कीजिए फुर्ती में, आप आंसर कमेंट सेक्शन में नहीं दे पाएंगे कोई बात नहीं, मैं कुछ सेकंड्स के बाद आंसर स्क्रीन में लिखूंगा, आप उसे टैली कीजिएगा, लेकिन ख्याल रखना समय कुछ सेकंड्स का ही है। मैं इसका सॉल्यूशन नहीं दूंगा, आप सॉल्व करेंगे और आंसर टैली करेंगे, तो इसे समझ में आएगा कि आपको समझे भी है कि नहीं समझे। कीजिए भाई कीजिए, लिखो चलो लिख रहा हूं, अलग ने हरी झंडी दे दी है, लिख रहा हूं आंसर। चलो दिनेश ने भी बोल दिया सर रेडी है, वो भी दीक्षा भी रेडी है, मुकेश भी रेडी है, सयानी आप भी रेडी हो गए, अरे शाबाश, दरवेश रेडी, समीर रेडी हो बच्चे, प्रथम रेडी, संजय फटाक से करो बच्चे, सुमिता डन, शाबाश शाबाश शाबाश, समीर भी रेडी हो गए, मेरा ख्याल है मैक्सिमम बच्चे रेडी है। तो चलो मैं लिख रहा हूँ फिर अब आंसर, शाबाश यू अभिषेक। तो एडजॉइंट है इसका बच्चे लोग 5-3 1-6 4-1 4-3 1, और इसका डिटरमिनेंट निकला होगा 1, ये इसका आंसर है।
क्या बोलते हो? यस सर, सोहेल फोड़ दिए, बढ़िया, शाबाश, गुड, अलग विकास, शाबाश काजल, डन, श्यान, शाबाश विकेश और विकेश, बढ़िया, गीतांजलि, डन, समीर बचे, क्या बोलते हो, मैच हुआ कि नहीं हुआ आपका? डन, अपूर्वा, शाबाश, सुनील, डन, क्षितिज, डन, डन, मेरे ख्याल है आ गया बच्चों को समझ में। चलो आप एकदम टैलेंटेड हो यार, मतलब मेरे को तो समझ नहीं आ रहा मैं कैसे इतने टैलेंटेड बच्चों की क्लास ले ले रहा हूँ। गुड, मजा आ गया, आप लोग ये सीख गए ना, बस हो गया, मेरे को लग रहा है मैं हिमालय जा सकता हूँ, अब मेरे को मुक्ति दे दे भगवान। हाँ बच्चे कुशल, अब जीवन में मेरे कुछ नहीं बचा। चले आगे, सीख गए बच्चे लोग, पक्का यूनिवर्स आ गया, मजा आ गया, चले आगे बढ़ते हैं फिर बच्चे लोग। आई होप कि आप सारे बच्चों के क्लियर हो गया होगा। संजीव कुछ बोलना है कि नहीं, कि चल रहा हूँ आगे, अब बन गया, अरे बाप रे, चलिए कंटिन्यू करते हैं फिर, आगे बढ़ते हैं। एक जो मैंने होमवर्क में जो क्वेश्चन दिया था ना, वो एक बार बच्चों को बता देता हूँ। एक क्वेश्चन जो है, हाँ बच्चे आकाश, वो एग्जाम में याद रखने के लिए तो मैं एक जड़ी बूटी देता हूँ बच्चे, वो आपको कोरियर करवाते हैं, वो जड़ी बूटी बच्चे खा के जाना, याद रह जाएगा एग्जाम में, डांटते एग्जाम में याद रह जाए। चलिए सुनते, हाँ चलो 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 चलो, ये होमवर्क वाला क्वेश्चन था ना आपका पिछली क्लास का, एक बार इसको मैं सॉल्व करके बता देता हूँ। उस क्वेश्चन में उसने पूछा था डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर टी डॉट ए इनवर्स, ये दरअसल क्वेश्चन था आपसे, उन्होंने क्वेश्चन में डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर टी डॉट ए इनवर्स पूछा था, ये आपके लिए सवाल था, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूँ आपके लिए ना, दोनों ही चीजें बहुत ही आराम से एकदम डिटेल में पूरी सॉल्व करके दूंगा। आई होप कि आपने इसे सॉल्व भी कर लिया होगा, एक बार फिर भी पूरा प्रोसीजर देख लेते हैं, क्योंकि किसी इंपॉर्टेंट मैसेज है जो मुझे आप सारे बच्चों को कन्वे करना है, ठीक है। ये ऑलरेडी क्वेश्चन गेट में आया हुआ है, तो एक बार इत्मीनान से सुन लेते हैं, गॉट इट। तो जैसे आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो सबसे पहले आपको निकालना होता है ए टू द पावर टी, ए की पावर टी कुछ और नहीं होता है, वो होता है ट्रांसपोज। मैं इसको डिटेल में सॉल्व करके बता रहा हूँ, आराम से बढ़िया टिक के बैठ जाओ सोफे में और सिर्फ सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। हाँ संजीव तुम सो भी सकते हो, चलो सुनते हैं। ये है माइनस ऑफ 10x और ये हो जाएगा 1, ठीक है। तो हमने क्या किया, ट्रांसपोज ले लिया। अब ए इनवर्स मेरे को निकालना है, ए इनवर्स निकालने के लिए मैंने इसके पहले आपको ट्रिक बताई थी, 2x2 का इनवर्स हम लोग बहुत फटाक से निकाल लेते हैं भाई, ये दोनों एलिमेंट ना इंटरचेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो इंटरचेंज करोगे तो ये 1 और 1 ही रहेगा, और इन दोनों का ना साइन बदल जाता है, ये दोनों एलिमेंट का साइन बदल जाता है, तो ये हो जाएगा प्लस 10x था तो हो जाएगा माइनस में 10x, और ये माइनस 10x हो जाएगा प्लस में 10x, ठीक है। और साथ में ना यहाँ पर इस वाली जगह पर साथ में ना इनका डिटरमिनेंट भी इसमें अप्लाई होता है, एग्री। तो इसका जैसे आप डिटरमिनेंट सॉल्व करोगे ना बच्चे, ये वाले मैट्रिक्स का जब आप डिटरमिनेंट निकालोगे तो वो निकल कर आता है 1 + 10 square x। आई होप कि आप सारे बच्चों ने इस वाली चीज को कर लिया होगा और ये समझ गए होंगे कैसे किया मैंने। ए इनवर्स मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में, पिछले वाले लेक्चर में 2x2 का बहुत ही फटाक से निकालना सिखाया था एक ट्रिक के थ्रू, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मेरा अगला स्टेप है कि मुझे ना इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करना है, मतलब मुझे क्या करना है सर, ए की पावर टी और ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करके एक टर्म फाइंड आउट करना है, एक्सेप्टेड। जैसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कैसा दिखाई देगा, ये हो जाएगा 1 + 10 square x अपना अलग चला गया, ठीक है। ये मैंने a टू द पावर t लिखा 1 और मेरे पास है 10x, है ना, ये है माइनस में 10x, ये है 1, ये मैंने a टू द पावर t लिख दिया। और अब मैं a इनवर्स वाला टर्म लिखने वाला हूँ, 1 माइनस में 10x विच इज 10x और विच इज 1। अब कुछ नहीं करना है बच्चों, ये 2x2 के मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है। मल्टीप्लिकेशन ना अभी अभी ना क्लास शुरू होने के पहले एकदम डिटेल में समझाया था कि कैसे करते हैं, 2x2 वाला ही इवन समझाया था। तो अब मैं ना ये पूरा मल्टीप्लाई नहीं लिखने वाला हूँ दोबारा से, ठीक है, डायरेक्ट उसका बॉटम लाइन लिख रहा हूँ, जरा उसको ही देख लीजिएगा। तो ये 1 + 10 square x कुछ और नहीं होता है, वो हो जाता है sec square x, एक्सेप्टेड। तो ये हो जाएगा sec square x, ठीक है। अगले वाले स्टेप में क्या होगा भाई, अगला ले स्टेप में जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये वाला फॉर्म मिलेगा, यहाँ पे लिखा रहेगा 1 - 10 square x, यहाँ पे लिखा रहेगा माइनस में 2 10x, ठीक है, और फिर यहाँ पे लिखा रहेगा आपके पास 2 10x,
ठीक है, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा sec स्क्वायर x, ये ऐसा बनेगा। ये वाली बात में किसी बच्चे को डाउट है तो एक बार मुझे बता दीजिए कमेंट सेक्शन में, एल्स मैं अब एकदम फाइनल टच इसको देने वाला हूँ और इसका आंसर निकल के आ जाएगा। अगर किसी बच्चे ने ना दूसरे मेथड से किया होगा तो भी परेशान मत होना, मैं आपको दूसरे मेथड से भी सॉल्व करके बताऊंगा, लेकिन एक बार पहले मेरे को ये बेसिक्स बहुत इत्मीनान से एक बार कन्वे कर लेने दो, ठीक है। एक बार आपको बेसिक्स मुझे एक बार बता ले दो। यहाँ पर ना थोड़ा सा एडिटिंग होगा, ये वाली जगह पर 1 - 10x, हाँ बच्चे 1 - 10 square x आएगा वहां पर, उसको सही कर देता हूँ मैं। दिस वन इज 1 - 10 square x, वो मेरे एंड से लिखने में गलती हुई है। हाँ, 1 + 10 square x इज sec square x, ठीक है, 1 + 10 square x को मैंने sec square x लिखा हुआ, ठीक है। चलो अब अगले वाले स्टेप में इसको मैं सॉल्व करने वाला हूँ, इतना से सुनना। ए वन वन में बच्चे 1 - 10 square x एकदम सही लिखा है मैंने, वही रहेगा ए वन वन में। ए वन वन मल्टीप्लीकेशन में 1 - 10 square x ही रहेगा, ये दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, एग्री, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 - 10 square x सही लिखा हुआ है। चलो आगे बढ़ रहे हैं। अब जैसे ही मैं ना अगले वाले स्टेप में जाऊंगा सॉल्व करने के लिए तो क्या होगा, जरा उसको एक बार सुन लेते हैं, देखो जरा। तो अब अगले वाले स्टेप में ना पहले कंप्लीट मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है। कंप्लीट मैट्रिक्स आप जैसे बनाओगे तो कैसा दिखाई देगा जरा देख लीजिए। ये हो गया 1 - 10 square x, ये बनेगा माइनस में 2 10x, ये बनेगा अपने पास 2 10x, और ये बनेगा माइनस में 10 square x। अब इस वाली बात को जरा सुनना, ये मैट्रिक्स है ना, दिस इज द मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स में क्या होता है, अगर आपने किसी भी एक एलिमेंट का मल्टीप्लाई करवाया तो वो किसी भी एक नंबर का मल्टीप्लाई करवाया तो वो हर एक जगह पर मल्टीप्लाई होगा। गौरव मैंने सही लिखा बच्चे, वो हर एक जगह पर मल्टीप्लाई होता है। तो ये जो sec square x है डिवाइड में, वो हर एक में जाएगा, ये मैट्रिक्स होने के कारण ऐसा होगा। दरअसल यही वाली गलती हो जाती है, बस मेरे को यही वाली बात आपको बहुत इत्मीनान से सिखानी थी, इसलिए मैं उसको रेड कलर मेंशन कर रहा हूँ। मैट्रिक्स वाले केस में वो हर एक एलिमेंट में जाता है, ठीक है। दूसरी वाली बात कन्वे कर रहा हूँ, जरा इसे समझना। दूसरी वाली बात यह है बच्चे कि हम लोग ना ये जो टर्म था a की पावर t डॉट a इनवर्स का डिटरमिनेंट निकालेंगे, लेकिन आपको ना पहले मैट्रिक्स को पूरा बनाना होगा। अब ये जो है ना a की पावर t डॉट a इनवर्स अभी वाला, ये वाला जो है ना कंप्लीट मैट्रिक्स बना है, आपको इसका डिटरमिनेंट निकालना है ना कि इसका, ठीक है, समझ में। अगर आपने इसका डिटरमिनेंट निकाल दिया और उसका आंसर निकाला तो कुछ और आंसर आ जाएगा, पॉइंट है समझ में। आपको इसका डिटरमिनेंट निकालना होता है हमेशा, इस वाली बात का ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कंफर्टेबल है अपने सारी बात को लेकर, आगे बढ़ रहा हूँ, जरा इतना से फोकस बना के रखना, एक बार आगे की चीजों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो अगले वाले स्टेप में क्या होगा भाई, अगले वाले स्टेप में इस वाली चीज का हम लोग निकालेंगे डिटरमिनेंट, ठीक है। तो जैसे ही आप उसका डिटरमिनेंट निकालोगे, उसका एकदम फाइनल स्टेप लिख देता हूँ, तो वो बेसिकली फॉर्म लेगा डिटरमिनेंट निकालने के बाद में 1 + 10 की पावर 4x माइनस 2 10 square x प्लस 4 10 square x। मैं वो डिटेल इसकी नहीं दे रहा हूँ, डायरेक्ट फाइनल लाइन लिख रहा हूँ, ठीक है। और डिवाइड में आपको मिल जाएगा sec की पावर 4x, ये मिलेगा आपको, ठीक है। तो अब आप अगर इसमें थोड़ा सा अगर गौर करो तो ये जो फॉर्म लिखा हुआ है अभी यहाँ पर, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करो तो कैसे देखेगा, 1 + 10 की पावर 4x माइनस 2 10 square x प्लस 10 की पावर 4x, मतलब प्लस 4 10 square x। तो इसको सॉल्व करने से बनेगा 1 + 10, हाँ बच्चे बिल्कुल सही बताया आपने, तो इसको थोड़ा सा सही कर देते हैं। 1 + 10 square x का होल स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस में 2 10 square x डिवाइडेड बाय sec की पावर में 4x, ठीक है। तो आप अगर इस वाली चीज को देखोगे ना, अभी आप अगर इस वाली चीज को भी देखोगे तो ये कुछ और नहीं है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फंडा लिखा हुआ है, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फंडा जैसे आप लगाओगे तो ये बनेगा 1 + 10 square x का होल स्क्वायर, ठीक है, और डिवाइडेड में अपना sec की पावर 4x रहेगा ही, तो 1 + 10 square x हो जाएगा sec स्क्वायर x, उसका होल स्क्वायर हो जाएगा sec की पावर 4x। तो sec की पावर 4x, दिस वन इज sec की पावर 4x, और ये sec की पावर 4x दोनों कैंसिल हो जाएगा, आपको फाइनल नंबर मिल जाएगा विच इज 1, ठीक है। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा ना वो आएगा 1, ठीक है। वो थोड़ा सा ना नीचे हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, मेरा ख्याल है बच्चों को समझ में आ रहा है, वो सिर्फ कैलकुलेशन ही तो है जो आपको ध्यान देनी है, बाकी तो आप सारा कुछ समझ ही गए हो ना, ठीक है ना। तो इस वाली चीज को बस ध्यान दीजिएगा कि ये कैलकुलेशन के समय पर ये वाली चीज को आपको बस ध्यान देना है कि sec की पावर sec स्क्वायर x सब में मल्टीप्लाई होता है और फिर ये सॉल्व करवाना था, ठीक है। तो ये मैंने बहुत ही डिटेल में बताया,
हाँ यश, अभी मैं प्रॉपर्टी यूज करके बताऊंगा बिल्कुल आपको, एक बार इत्मीनान से, बिल्कुल अंकित में वही वाली पॉइंट लेने वाला मुझे, एक बार इत्मीनान से इसको देख लीजिए, ठीक है, कंफर्टेबल है यहाँ तक अपन। ये मैंने बेसिक्स में इसलिए बताया क्योंकि इसमें दो गलतियां होती हैं और दोनों गलतियां मैंने यहाँ पे रेड कलर में मेंशन की है। पहले वाली गलती ये है कि हम लोग जब सेक स्क्वायर एक्स का मल्टीप्लाई करवाते हैं तो उस वक्त बच्चे हम लोग जो उसके हर एक एलिमेंट मल्टीप्लाई नहीं करवाते हैं, भाई मैट्रिक्स से हर एक एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा। दूसरा वाला पॉइंट क्या है, दूसरा वाला पॉइंट ये है कि भाई जब आपको डिटरमिनेंट लेना है तो उसके पहले आपको कंप्लीट मैट्रिक्स बनाना होगा, ऐसे आधे में आप उसका सीधा डिटरमिनेंट नहीं ले सकते, ठीक है, तो इसका ही डिटरमिनेंट लेना होगा कंप्लीट बनाकर, ठीक है, ये वाला आइडिया क्लियर हो गया। अब जो बच्चे लोग बोल रहे थे ना कि सर एक बार जो है प्रॉपर्टीज से बता दो, तो एक बार प्रॉपर्टीज से बता देता हूँ, सेम क्वेश्चन सॉल्व करके दूंगा होमवर्क वाला ही, और उसको आपको प्रॉपर्टी से सॉल्व करना बताएंगे, ठीक है, जरा इतना से सुन लेते हैं। मैंने आपको ना बीच में एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बारे में बताया हुआ था, उसका ही कंसेप्ट दरअसल इसमें अप्लाई होना था, या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, कोई बात नहीं है, आपको अगर मान लिया वो याद भी ना रहे तो। हाँ सुमेश, आपने बिल्कुल सही किया, तो अगर मान लिया वो आपको याद भी, तो ये भी आप कर सकते थे, ए की पावर टी डॉट ए इनवर्स का आपको डिटर्मिनेंट निकालना है, तो आपको ना डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, ए डॉट बी का जो होल डिटर्मिनेंट होता है मॉड ए डॉट मॉड बी होता है। सुमेश हो सकता है कोई कैलकुलेशन में एरर रह गई, आप उसमें एक बार चेक करना, मेरे वाले मेथड से मिला लेना, एक आध लाइन कहीं आ जाएगी पीछे की, उसमें चेक करना आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई होगी, जैसे अभी प्रॉपर्टी लगाओ तो ए की पावर टी डॉट इनवर्स को आप लिख सकते हो मॉड ए की होल पावर टी और मॉड ए की होल पावर इनवर्स, आप ये लिख सकते हो, ठीक है। मैंने क्या कन्वे किया, मैंने ये कन्वे किया बच्चे कि ये हम लोग को प्रॉपर्टी पता है, इसके पहले आपको सिखाया था, वो इसमें मैं अप्लाई कर रहा हूँ, तो मॉड ए की होल पावर टी मॉड ए ही होता है, मैंने इसके पहले आपको बताया था, डिटरमिनेंट चाहे आप ए की पावर टी का निकालो चाहे ए का निकालो, वो डिटरमिनेंट ऑफ ए ही आता है, वो चेंज नहीं होता, और ए इनवर्स का डिटरमिनेंट कुछ और नहीं होता है, वो वन अपॉन मॉड ए होता है। ये भी प्रॉपर्टी थी, आप प्रॉपर्टी देखेंगे डिटरमिनेंट को, इसमें आपको लिखवाया गया था, ठीक है। तो उससे क्या होगा सर, उससे दोनों मॉड ए कैंसिल हो जाएगा और फाइनल क्या बचेगा आपके पास, वन बचेगा, और यही इसका आंसर था, ठीक है। और कुछ बच्चों ने अगर ऑर्थोगोनल वाले कंसेप्ट से लगा लिया होगा तो भी एकदम सही कर लिया। हाँ श्रेयस ने एकदम सही बात बताई है, एक बार मैं उसे रीड कर लीजिएगा। हाँ प्रॉपर्टीज वाला ही सुनील, अपने को एग्जाम में एक्चुअली सॉल्व करना है, ये गेट का 2015 का सवाल है, आपको प्रॉपर्टी वाले से ही सॉल्व करना है। वो मेथड फिर सर आपने इतना बड़ा इतना सारा समय लेकर क्यों बताया, मैंने बताया ना उसमें दो टाइप की गलतियां हो जाती हैं, वो अपने अनुभव से बता रहा हूँ, तो मैं चाहता था वो गलतियों के बारे में आपको पता रहे बस, ठीक है। बाकी ये प्रॉपर्टी ही आपको अप्लाई करना है और यही सही है, एक्सेप्टेड, ठीक है। आगे बढ़ जाओ, कमेंट सेक्शन मेंशन कर दीजिए, सैनी के रिजंडी आ गई, शिवम ने हाथ ऊंचा कर दिया, नीचे कर लो बच्चे, थक जाएगा, मतलब सारे बच्चे लोग कंफर्टेबल है, आगे बढ़ सकते हैं अपन लोग। दिमाग कबल बॉन हो जा रहा है बच्चों का, हाँ बच्चे जलना चाहिए, संजय चल रहे बच्चे, सर बच्चे वो जो आपने पूछा ना ट्रांसपोज का ए ट्रांसपोज मतलब ए कैसे लिखा मैंने, बच्चे मृणाल दरअसल चाहे आप मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट लो चाहे आप ए टू द पावर टी का डिटरमिनेंट लो, दोनों का डिटरमिनेंट मॉड ए ही होता है, पॉइंट आ गया समझ बच्चे, मतलब मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि चाहे आप ट्रांसपोज लो चाहे आप मत लो, से डिटरमिनेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट सेम आता है, मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, शाबाश। अब आपको हेडिंग लिखनी है जो कि आपके एग्जाम का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आइगन वैल्यूज, नहीं दे इस पे वो क्वेश्चन तो समझ लेना आपका पेपर अब कैंसिल होने वाला है, ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये अपने को सीखना है, ठीक। तो आइगन वैल्यूज में आपको ना क्वेश्चंस के थ्रू सॉल्व करके बताऊंगा, लेकिन उसके पहले हम लोग ना थोड़ी सी थ्योरी लिखेंगे आगे बात पकड़ में, तो आपको थ्योरी में लिखना है बच्चे लोग, सबसे पहले ली बात लिखनी है,
क्योंकि थ्योरी इसलिए लिख पाता हूँ मैं क्योंकि ना अब एग्जाम में पता है वो क्या करेगा, एग्जाम में ना गेट एग्जाम वाले ना बहुत बदमाश होते हैं, मतलब जो एग्जामिनर होते हैं ना उनको पता नहीं इस चीज में क्या मजा आता है, मैंने पहली बात को नोटिस किया चलो कि वो क्या करते हैं पता है, सेम चीज पूछेंगे लेकिन नाम कुछ और दे देंगे, बात आ रही आपको समझ में, मतलब ये कि भाई आपको खिलाएंगे वो देसी ढेसी लेकिन नाम कुछ स्पेनिश सा रख देंगे तो आपको लगेगा कि कुछ मैं नया खा रहा हूँ, लेकिन उसका स्वाद बिल्कुल वही देसी डिश का ही आएगा, सीन आ रहा समझ में। तो वट माई पॉइंट इज कि हाँ बिल्कुल वैसे जैसे आप बड़ा खाते होगे ना, तो हम लोग यहाँ पर खाते हैं तो सांबर बड़ा बोलते हैं, उधर बाहर अमेरिका वगैरह में खाते हैं तो वो लोग जो है उसको कुछ डोनट वगैरह बोलते हैं, तो वो सभी का अपना अपना स्टाइल है, बाकी खाना वही है सभी को। हाँ तो चलो शुरू करते हैं। आलिक बच्चे दो तीन लाइनें बस, वो थ्योरी में आपको तंग करते ना, मैं क्या करूँ, वो उनका वो खराब आदत है तो क्या करें, तो एक आध लाइन आपको बता देते हैं ठीक है। हाँ बच्चे फ्राइड डोनट बोलते हैं संजीव सर, एकदम आप सही समझे, मतलब खाना अपने को एक्चुअली वही है, खाने की बस बात हो जाए फिर देखो छूटता नहीं है कहीं भी। तुम संजीव संजीव सोए थे ना अचानक एक डोनट सुन के उठ कैसे गए, तुम तो सो गए थे ना, बैठे बैठे तुम बेहोश हो जाते हो। हाँ अपूर्व भिजवाते हैं बच्चे, भिजवाते हैं आपके लिए, ये सांभर बड़ा चलेगा या फ्राइड डोनट क्या खाओगे। पिज्जा, हाँ बच्चे प्रज्वल जन्मदिन है बच्चे मेरा, मैं भेज रहा हूँ पिज्जा, बर्थडे मेरा सेलिब्रेट तुम बच्चे वहां करना। हाँ यश पानी पूरी भी आपको खिलाएंगे बच्चे, हम लोग बेकार ही बच्चे वो गेट वेट में एकदम पड़ गए, मेरे को तो लग रहा है जैसे अपने नहीं नहीं बर्थडे नहीं है, बर्थडे नहीं, मैं मजाक कर रहा था मजाक कर रहा था, जैसे हम लोग के ना बर्थडे नहीं है बच्चे लोग मस्ती कर रहा था मैं, जैसे हम लोग की जो फरमाइश है जो हम लोग मेनू बता रहे, हम लोग को तो बच्चे कोई शेफ वेफ का कोई कोर्स करना था नहीं। हाँ अपूर्व आएगा अभी बर्थडे, थोड़ा सा समय है आ जाएगा अगले महीने, ठीक ठीक बच्चे लोग ठीक है। इसे कॉपी भी कर रहे हैं हम लोग किस सिर्फ बातें करते हैं, अरे बर्थडे नहीं है भाई आदित्य, अजय बस कर लो बर्थडे नहीं है, आई वॉज जस्ट किडिंग, वो पिज्जा मांग रहा था तो मैंने ऐसे ही कह दिया था बर्थडे नहीं है, तुम फालतू केक कटवा दो नहीं तो। चलो हाँ चलो एक लाइन लिखी मैंने, चलो शाबाश बच्चे लोग, हाँ एक लाइन लिखी है बच्चे लोग, इसे पढ़ लो क्या बच्चों ने, कॉपी हो गया, शाबाश शाबाश शाबाश, बस ऐसे ही करना है अपने को, थोड़ा हाथ चलते रहना चाहिए। चलो बच्चे लोग सुनते हैं क्या कह रहा है, एक बार आपके लिए रीड कर देता हूँ, इसे सुन लीजिएगा। द मैट्रिक्स ए माइनस लैम्डा आई, द मैट्रिक्स ए माइनस लैम्डा आई इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स वेयर आई इज द यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, ठीक है जरा इतना से सुन लीजिए। आइगन वैल्यू निकालने के लिए आपको एक कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स ड्रॉ करना होता है, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स फ्रेम करना होता है, जो कि कैसा दिखाई देता है, ए माइनस लैम्डा आई के फॉर्म का दिखाई देगा आपको, ठीक है। ये लैम्डा क्या है सर, ये लैम्डा बच्चे जब मैं सॉल्व करूंगा तो आपको बताऊंगा, ये कुछ और नहीं है, ये लैम्डा ही आइगन वैल्यू होने वाली है, ठीक है। लैम्डा इज इक्वल टू आइगन वैल्यू होगी उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स ए के लिए, ये भी बता गई समझ में कंफर्टेबल अपन। और ये ऑर्डर एन क्या है, मतलब ए की जो भी ऑर्डर होगा उसी टाइप का हम लोग एक यूनिट मैट्रिक्स लेंगे, एग्री। तो एग्जाम में ना हो सकता है आपसे कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स के रूट्स पूछ ले, ऐसे वो बोलकर वो गेट में थोड़ा से परेशान कर दे, तो कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स के रूट्स कुछ और नहीं होंगे, वो क्या होगा, आइगन वैल्यूज ही होंगी, तो वो ऐसे टर्म यूज करेंगे, तो वो टर्म के लिए बस आलेख में थोड़ा सा थ्योरी दे रहा था और कोई बात नहीं थी, तो वो टर्म ना एग्जाम में थोड़ा आपको परेशान करने के यूज करते हैं, वही वही बस टर्म लिख रहा हूँ जो आपके एग्जाम में यूजुअली यूज होते हैं, तो इत्मीनान से देखते चाहिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग दूसरा वाला पॉइंट लिखने वाले, द इक्वेशन ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पे ना डिटर्मिनेंट यूज होता है। हाँ बच्चे बस शुभम उसी वाले लाइन पर आऊंगा,
अगले वाली लाइन पर वही वाली बात कन्वे करूंगा, शाबाश। वैसे यूज करेंगे शुभम टर्म, और वैसे परेशान करते हैं जबरदस्ती। चलो देख लो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, सेकंड लाइन पढ़ रहा हूँ बच्चे लोग। द इक्वेशन ए माइनस लैम्डा इज इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, तो फिर से वही वाली बात मैंने बता दी, बस इसके पहले मैंने कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स वर्ड यूज किया था, अभी मैंने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वर्ड यूज किया है। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलेगा तो ए माइनस लैम्डा ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो कर देना, बस इतना काम कर लेना। ठीक है, चेंज कर रहा हूँ बच्चे लोग साइड में, आई होप कि आप सारे बच्चों ने कॉपी कर लिया होगा। नंबर थर्ड, लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। आइगन वैल्यूज आर ऑल्सो नोन एज, आइगन वैल्यूज आर ऑल्सो नोन एज कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। तो ये वाली बात इंपॉर्टेंट है, अगर कभी एग्जाम में आपसे पूछे भाई कैरेक्टरिस्टिक रूट्स इस वाले एक मैट्रिक्स से क्या होंगे, तो कुछ और नहीं पूछ रहे, आइगन वैल्यूज ही पूछ रहे हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स के बजाय वो कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। जो बच्चे ने बताया था अभी शुभम ने, उसे लेटेंट रूट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसे प्रॉपर वैल्यूज भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें आइगन वैल्यूज के लिए यूज होती हैं। तो एग्जाम में हो सकता है कि इनमें से वो कोई नाम यूज कर ले, तो आपको परेशान नहीं होना है, आपको समझना है कि उसने कुछ और नहीं आपसे, उसने आइगन वैल्यू ही पूछी है, बस इतना ही। ठीक है, आगे बढ़ूंगा चलो। शाबाश, अच्छा गुड। चलिए अब हम लोग क्या करने वाले हैं, एक आध क्वेश्चन के थ्रू ना, जो इतनी सारी मैंने कहानी बताई ना, वो आपको एक बार सॉल्व करके बता देता हूँ, फिर आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना, फिर हम लोग आइगन वेक्टर में मूव ऑन कर जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, हम लोग आइगन वैल्यूज पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जो ऑलरेडी गेट एग्जाम में आ चुके हैं या आने वाले हैं। तो एक क्वेश्चन तो पहले मैं आपको करके बता देता हूँ। तो क्वेश्चन ऐसे आएगा, एक मैट्रिक्स गिवन रहेगा, फॉर एग्जाम्पल आपको एक क्वेश्चन में आपको एग्जाम्पल के फॉर्म में सॉल्व करके दे रहा हूँ, आपको फोकस करना है विच इज माइनस टू विच इज वन, है ना। और इसमें क्या होगा बच्चे लोग, इसमें वो आपसे आइगन वैल्यू पूछेगा। ठीक है, ये है दरअसल क्वेश्चन। तो इसको अपन सॉल्व कैसे करेंगे, एक बार आपको सॉल्व करके दे देते हैं, इत्मीनान से देखते जाओ आराम से, बढ़िया एकदम टिक कर बैठो, फैन एसी कूलर जो आस पास हो सब ऑन कर लो और सो जाओ बैठे बैठे। अपन क्या करते हैं बच्चे लोग, ए माइनस लैम्डा आई का ना डिटर्मिनेंट को इक्वल टू जीरो करते हैं, इसको कुछ और नहीं बोलते, इसको अपन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलते हैं। सीन आ गया समझ में? तो a माइनस लैम्डा आई एक बार तो कन्वर्ट करके दे देता हूँ, बहुत ही डिटेल में लिख के दे रहा हूँ, सुनते जाइए। ऐसा दिखता है एक्चुअली वन, ठीक है, दिस इज, अब यहाँ पर है माइनस में लैम्डा आई, क्योंकि इसकी ऑर्डर 2x2 है ना, इसलिए मैं आई भी 2x2 वाला ही सोच रहा हूँ, ये ऐसा है वाला एक्चुअली फॉर्म है। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको ना बच्चे माइनस करवाओगे तो लैम्डा इस वन में मल्टीप्लाई करके लैम्डा बना देगा, और लैम्डा इस वाले वन में मल्टीप्लाई करके लैम्डा बना देगा, तो कैसा दिखाई देगा जरा देखो, जरा फाइनल लाइन लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा 4 - λ - 2 विच इज -2 एंड विच इज 1 - λ। ये हो गया ए माइनस लैम्डा का फॉर्म, जिसका डिटर्मिनेंट मैं जीरो करने वाला हूँ, ये है ए माइनस लैम्डा आई का फॉर्म। ठीक है, पता चला आप बच्चों को, कंफर्टेबल है, बढ़िया शिखा, शाबाश। अब अगले स्टेप में क्या होता है सर, अगले स्टेप में कुछ नहीं होता है, ये जो 2x2 का जो मैट्रिक्स है उसका हम लोग को निकालना होता है डिटरमिनेंट। तो जैसे आप डिटरमिनेंट निकालते हो कैसे देखिए, 4 - λ, ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं ना बच्चे लोग, ये हो जाएगा 1 - λ विच इज -2 - 2 इज इक्वल टू जीरो।
ठीक है। अगले वाले स्टेप में आप जैसे ही सॉल्व करोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्म आएगा वो आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट वाले स्टेप में लैम्डा लैम्डा कॉमन निकल जाएगा, तो जाएगा लैम्डा माइनस 5 इज इक्वल टू 0। एग्री? तो यहां से आपको लैम्डा और लैम्डा माइनस 5 से लैम्डा की दो वैल्यूज मिलेंगी, एक मिलेगा लैम्डा इज इक्वल टू 0 और दूसरा आपको मिलेगा लैम्डा इज इक्वल टू 5। ये आपको दो वैल्यूज मिल जाएंगी जो कि इसका राइट आंसर भी है। पता चल गया, कंफर्टेबल है इसमें सारे बच्चे लोग? बहुत ही डिटेल में एक एक लाइन मैंने लिखकर सॉल्व करके दिया है। देखो मैं ना डिटेल में ना एक एक लाइन क्यों लिखता हूँ, हो सकता है कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा हो कि सर इतना तो हम लोग को आ जाता है, इतना तो बताने की जरूरत है, हम लोग कर लेंगे। बट माई पॉइंट इज, मुझे आप पर पूरा भरोसा है बच्चे, आप बिल्कुल अच्छा कर लोगे। लेकिन क्या होता है ना, मुझे ऐसा लगता है ये गेट मतलब जो मैथ्स ना पढ़े हुए 2-3 साल बीत चुके हैं, और हम लोग को कल क्या पढ़ा है वो पूछ के देख लो, याद नहीं रहता है। 2-3 साल पुरानी बात कहाँ कुछ याद रहनी है। तो कुछ ना कुछ ऐसा पॉइंट होता है जो हम लोग ना भूल चुके होते हैं, वो हमें भी नहीं ख्याल होता। लेकिन ऐसे अगर थ्योरी सुनो बैठ कर, अगर इत्मीनान से कोई इतना डिटेल में सॉल्व करके आपको सुनाए, तो उससे क्या होगा, उससे आपको ना याद आने लग जाता है, अच्छा ये ऐसा होता था, अच्छा ये वैसा होता था। तो आपकी ना मेमोरी रिवाइंड हो जाती है, तो आपकी कमांड और अच्छी हो जाती है। तो इसलिए मैं डिटेल में सॉल्व करके देता हूँ। और एट द सेम टाइम कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा होता है कि यार मैथ्स में इतना मजा नहीं आता है, कब मैथ्स खत्म होगा, या फिर मैथ्स बस जल्दी से मेरे को सीख के जान छोड़ना है इसमें, है ना। तो जो बच्चों को ना मैथ्स में इतनी अच्छी कमांड नहीं है, तो क्योंकि मैं बहुत ही डिटेल में बताता हूँ ना, तो आपको ना ये वाली बात लेकर परेशान नहीं होना है कि यार उसका मैथ्स अच्छा है मेरा मैथ्स अच्छा नहीं है। ट्रस्ट मी दैट अगर आप मेरे साथ बने हुए ना इस वाले सेशन में, तो सेशन के एंड होते तक आपका मैथ्स बाकी सारे सब बहुत अच्छा होने वाला है, ट्रस्ट मी दैट। तो व्हाट माय पॉइंट इज, मैं दोनों तरह की चीजों का ध्यान रख रहा हूँ। मतलब ये कि बहुत डिटेल में इत्मीनान से एक एक छोटी छोटी चीजों को आप देखो, बढ़िया से सीखने की कोशिश करो, है ना। हाँ मैं अब अनुभव आपके लिए चीज बिल्कुल कन्वे करूंगा, पेशेंस रखना। प्रीवियस स्लाइड बिल्कुल आपको दीक्षा शो करे। और दूसरी बात ये कि अगर आपका मैथ्स मान लिया थोड़ा सा वीक भी है उसमें, तो आपको कुछ नहीं करना है, इत्मीनान से बैठो, बढ़िया टिक कर सारी चीज मैं सॉल्व करके दे रहा हूँ, सिर्फ सुनते जाओ। धीरे धीरे सुनते रहोगे, अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप होने लगेगी। जब अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो जाएगी, तो उस वाले टॉपिक पर पेन अपने आप आपसे चलेगी, मैं देखना ऐसा होगा आपसे, है ना। तो बस पेशेंस रखो, कुछ नहीं होता अगर मैं डिटेल में बताऊँ, थोड़ा सा समय भी लग गया तो क्या ही कर रहे हैं समय बचा के। हम लोग जो काम कर रहे हैं इसी चीज के लिए तो हमको समय मिला है ना, हमारी फैमिली वालों ने हमको अपना जो इंजीनियरिंग का फाइनल ईयर है, जो प्री फाइनल ईयर है, तो ये जो दिया समय गेट पढ़ने के लिए तो दिया ना, हमने ही तो डिसाइड किया ना हमको गेट ही पढ़ना है, तो गेट पढ़ तो रहे हैं भाई, और क्या करें। तो इसी चीज के लिए तो ये समय मिला है ना, तो अब अच्छे से बिताएंगे ना इस चीज में समय अपना, क्या ही जल्दी बजी उतनी समय है ना अपने पास, ठीक है। तो पेशेंस रखो, बहुत इत्मीनान से आपको, हाँ बच्चे साईं बच्चे कवर आपको पूरा करवा दूंगा, है ना। धीरे धीरे सीखते रहो, दीक्षा आगे बढ़ रहा हूँ मैं। दीक्षा जी चेंज कर दे, चलो ठीक है, ये वाली चीज क्लियर हो गई बच्चों को, चलो डन। अब कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख रहा हूँ जिस पर आपको थोड़ा पेन चलाना है, ठीक है, ओके। मैंने अभी आइगन वैल्यूज की प्रॉपर्टीज नहीं बताया, ठीक। अभी आपको सिर्फ मैंने एक रफ आइडिया दिया कि देखो इस तरीके से आइगन वैल्यूज सॉल्व होती है, प्रॉपर्टीज इसके पीछे बताऊंगा, बने रहना सेशन में। चलिए पेन चलाइए, आंसर कमेंट सेक्शन मेंशन कीजिए। संजीव तुम जाग रहे हो कि बेहोश हो गए हो? जाग रहे ना, ठीक ठीक शाबाश सयान, शाबाश। कैसे अलग अलग आंसर आ रहे हैं आदिति, चेक करो बच्चे गड़बड़ हो गया कहीं पे। आदिति को चेक करना, आदिति क्या क्या लिख रहे हो बच्चे आप? बाकी बच्चों का सही, प्रथम शुभम प्रियांशी शाबाश, वकार गुड,
अदिति, 1 और -5 नहीं है बच्चे, अदिति देखो ना बाकी बच्चे क्या लिख रहे हैं, देख के लिख दो, क्या पता चलने वाला है। साक्षी शबाश, मुकेश डन, अलग कुड, गौरव शबाश, अनुभव डन, प्रियंका डन, दुर्गेश डन, उपेश डन। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों लोग को सॉल्व करना है। मोना शबाश, अंकित डन, धारणी डन, शुभम डन, नीलमणि डन, वाणी डन। जस्टिन डन, अंकित क्वेश्चन नंबर 3, गीतिका डन, प्रज्वल डन, आलेख 3, भूपेन डन, दिनेश शाबाश, ओम प्रकाश डन। मेरे को ऐसा लग रहा है कि ना सारे बच्चे लोग आंसर नहीं देते, मतलब अगर सारे बच्चे लोग आंसर दे तो चैट बॉक्स जो है ऐसा मूव हो एकदम, पूरा जगह से अपनी खड़ जाए एकदम चैट बॉक्स। सब बच्चों को आंसर देना है भाई, मेरे को कैसे पता चलेगा। दुर्गा डन, आशी डन, अनकेत डन, अनिकेत 3 का आंसर दो ना भाई, जितेश डन, शेडन, शिवानी डन, मुकेश डन, सोमेश डन, बढ़िया, कृष्णा डन। कृष्णा वो 07A क्या आपका कोड है क्या, जैसे जेम्स बॉन्ड का 007 तो आपका 07A। कोई बच्चे लोग 3 का आंसर देगा कि मैं करूं सॉल्व। 3 का पहला आंसर, बढ़िया नैला, शाबाश प्रीति। नेक्स्ट 3 पे चलेंगे अपन, मैं नहीं सॉल्व कर रहा हूं 3 वाला आंसर। श्यान शाबाश, दिनेश गुड, शुभम शाबाश, राहुल डन। सेम अप्रोच करना बच्चे लोग 3 में, ए माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। वो पावर 3 बन रहा है क्या बच्चे लोग, जिससे कष्ट हो रहा होगा शायद। मैं करके दूं क्या सॉल्व पावर 3 वाला। आरती डन, दरवेश डन, तुषार शाबाश, सजल डन। चलो एक बार वो पावर 3 वाला मैं सॉल्व करके देता हूँ, शायद इस वजह से बच्चों को समय लग रहा होगा कि पावर 3 अब कैसे सॉल्व होगी। यस डन, चलो सुनते, देखो एक बार पावर 3 में सॉल्व करके देता हूँ, बच्चों लोग सुनेंगे। देखो जरा एक बार पावर 3 सॉल्व करें, तो सबसे पहला तो स्टेप यही होगा, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला तो स्टेप ये होगा कि a माइनस लैम्डा i का डिटरमिनेंट आपको इक्वल टू 0 करना है। तो जब गुड कुशाल समीर डन, जब आपको ना a माइनस लैम्डा i का फॉर्म बनाना होगा तो पता है कैसा दिखेगा आपको, a माइनस लैम्डा माइनस 2 2 4 माइनस 4 माइनस लैम्डा 6 2 माइनस 3 5 माइनस लैम्डा डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। ये ऐसे होगा, ठीक है। अब आप इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे, जब आप डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर लिख देता हूँ एकदम उसकी फाइनल लाइन बनाकर। तो जैसे आप डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे बच्चे, तो आपको ऐसा एक्सप्रेशन मिलेगा, वो एक्सप्रेशन मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ से स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। तो जाएगा लैम्डा क्यूब माइनस 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 5 लैम्डा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये वाला आपको एक्सप्रेशन मिलेगा फाइनल में, ठीक है। लैम्डा क्यूब माइनस 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 5 लैम्डा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये कहां से मिला सर आपको, ये बच्चे मैंने ना ये वाला जो है वो डिटरमिनेंट ना दरअसल सॉल्व किया, ठीक है, डिटरमिनेंट सॉल्व किया तो मुझे ये एक्सप्रेशन मिल गया। अब आप नोटिस करोगे तो बच्चे ये जो एक्सप्रेशन है ना ये पावर 3 का है, पावर 3 वाला जो एक्सप्रेशन है ना सॉल्व करने में थोड़ा सा कष्ट देता है। तो जिन जिन बच्चों को पावर 3 सॉल्व करने में कष्ट होता है, मैं यहाँ पर सॉल्व करके आपको दे देता हूँ, आप इत्मीनान से सीख लीजिए। देखो पावर 3 बच्चे सॉल्व करने का ना पहला स्टेप क्या होता है, इसे सुन लीजिएगा। पहला स्टेप ये होता है कि ना आपको ना अपने मर्जी से, अपने मन से इस लैम्डा की तरफ, लैम्डा के प्लेस पर कोई भी वैल्यू पुट करनी होती है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपको अपने मन से इस लैम्डा के प्लेस पर कोई भी वैल्यू पुट करनी होती है, ठीक है। लेकिन ध्यान इस बात का रखना होता है कि लैम्डा के प्लेस पर मैं जो भी वैल्यू रखूं उससे ये पूरा एक्सप्रेशन 0 के इक्वल हो जाना चाहिए,
आगे अगर पकड़ो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने जीरो ही रख दिया, उदाहरण के लिए अगर आपने लैम्डा बराबर जीरो ही रख दिया, पुट लैम्डा इज़ इक्वल टू जीरो कर दिया, तो उससे क्या होगा, जीरो 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 माइनस टू इज़ इक्वल टू जीरो। तो क्या ये पूरा एक्सप्रेशन जीरो के इक्वल हो पाया क्या? नहीं हो पाया, इसका मतलब जीरो इसके लिए वैलिड नहीं है। आगे आपको बात समझ में? तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमको ना जानबूझकर कोई ऐसा एक्सप्रेशन पुट, ऐसा नंबर पुट करना होता है जिससे वो पूरा एक्सप्रेशन जीरो के बराबर हो जाए, ठीक है। तो आप अगर ना लैम्डा की जगह पर वन पुट करके देखो, तो जैसे आप वन पुटो, वन माइनस फोर प्लस फाइव माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, एग्री। तो माइनस फोर माइनस टू बिकम्स माइनस सिक्स, वन और फाइव बिकम प्लस सिक्स, तो प्लस सिक्स और माइनस सिक्स पूरा कैंसिल हो जाएगा, सारा एक्सप्रेशन जीरो के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि क्योंकि लैम्डा जो है वन पुट करने पर इस एक्सप्रेशन को कंप्लीट जीरो कर देता है, तो इसलिए लैम्डा इज इक्वल टू वन वो इस क्यूबिक इक्वेशन का एक रूट होगा। ये बात आई समझ में? ये ऐसे अपन डील करते हैं। सर मेरे को कैसे पता चलेगा कि वन ही पुट करना है? आप जीरो वन माइनस वन टू माइनस टू थ्री माइनस थ्री कुछ भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यूजुअली ऐसा होता है जब ऐसे क्वेश्चन ना बच्चे आपके एग्जाम में आते हैं, तो अगर आपने जीरो वन या माइनस वन टू या माइनस टू ही अगर पुट कर दिया ना, तो ही आपका बात बन जाती है, एग्री। ऑप्शन से बच्चे मैं अभी इसमें नहीं जा पाऊंगा एकदम एग्जैक्टली, क्योंकि उसने अभी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पूछी है अनुभव। तो अगर मान लिया आइगन वैल्यू ही ऑप्शन में लिखी हो तो अपन रख के चेक कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं भी होता है। हाँ, एलिमिनेट आंसर्स देख के, ऑप्शंस देख के कर सकते हैं नवीन, लेकिन वो दरअसल क्वेश्चन के फॉर्म पर डिपेंड करता है ना, ठीक है। तो मैंने अभी क्या किया, मैंने अभी लैम्डा इज़ इक्वल टू वन पुट कर दिया, जैसे मैंने लैम्डा इज़ इक्वल टू वन डाला तो सारा एक्सप्रेशन जीरो हो गया, मतलब कि एक उसका जो है वो रूट बन गया। तो मेरे को एक आइगन वैल्यू पता चल गई, एक आइगन वैल्यू है वन, एक आइगन वैल्यू पता चल गई, एक आइगन वैल्यू है वन। ये बात आ गई आपको समझ में, ठीक है। अब इसका अगला वाला फॉर्म सॉल्व करने वाला हूँ, इसे भी सुन लीजिए। मतलब ऑप्शन से आप जा सकते हैं, इन केस अगर मान लिया कभी कभी क्या होता है, पूछ लेता है सम ऑफ आइगन वैल्यूज क्या होंगी, तो ऑप्शन में तो आइगन वैल्यूज का सम लिखा रहेगा ना, फिर तो आप ऑप्शन से नहीं देख पाओगे। आ रही बात समझ में? ठीक, शुभम बच्चे, डन, एग्री। चलो चलो सुनते। अब हमने क्या किया, ये जो मेरा एक्सप्रेशन था, ये जो मेरा एक्सप्रेशन है, लैम्डा क्यूब माइनस फोर लैम्डा स्क्वायर प्लस फाइव लैम्डा माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, उसमें लैम्डा इज इक्वल टू वन से मेरे को एक फॉर्म मिल गया, एक्सेप्टेड। आशुतोष, मैं सॉल्व करके दे रहा हूँ, सुनते जाना बच्चे, है ना। तो अब मैं क्या करने वाला, जरा सुनना, मेरे को लैम्डा क्यूब में, क्योंकि पावर में थ्री है इसलिए तीन आइगन वैल्यूज मिलेंगी, जो भी ऑर्डर होती है उतनी आइगन वैल्यू मिलती है, जिसमें से एक एज वन तो मेरे को मिल चुका है, बाकी की दो आइगन वैल्यूज मेरे को और फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट होता है सर? तो हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि लैम्डा इज इक्वल टू वन मिला, इसका एक्सप्रेशन बनेगा लैम्डा माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, इस एक्सप्रेशन को ऐसा लिख सकता हूँ ना मैं। तो अब इस पूरे एक्सप्रेशन को ना मैं ना लैम्डा माइनस वन से डिवाइड करूंगा, ठीक है। तो लैम्डा माइनस वन से डिवाइड करने का ना आपको ना स्कूल में एक मेथड दिया गया होगा, लॉन्ग डिवीजन मेथड उसको बोलते हैं, शवा शंकित। वो लॉन्ग डिवीजन मेथड ना मैं नहीं बता रहा हूँ, उसके बदले एक ट्रिक बता रहा हूँ, उसको सुन लेना। मैं क्या करने वाला हूँ, इस क्यूबिक एक्सप्रेशन को इस पावर वन से डिवाइड करना आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है। मुझे लोग सुनते जाइएगा, ये वाली बात इंपॉर्टेंट है करके मैं शेयर कर रहा हूँ। आपको एग्जाम में हो सकता है 3x3 का आइगन वैल्यूज आए और ये पूरा ऐसी प्रोसीजर में सॉल्व होगा, ठीक है। तो कैसे डिवाइड करते हैं ये सुन लीजिए। तो डिवाइड करने के लिए हम लोग को क्या करना होता है, ये जो वन है, ये लैम्डा माइनस वन वाला जो वन है, ये वाला जो वन है, वो मैंने यहाँ पर कॉपी किया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, इसके एक्स कोफिशियंट लेने वाला हूँ, इस एक्सप्रेशन के कोफिशियंट लूंगा। इस एक्सप्रेशन के कोफिशियंट कैसे लेंगे सर आप, लैम्डा क्यूब के सामने कुछ मतलब कोफिशियंट होता है वन, तो यहाँ पर आ गया वन, ठीक है। लैम्डा स्क्वायर का कोफिशियंट है माइनस फोर, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया माइनस फोर। लैम्डा का कोफिशियंट है प्लस फाइव, तो यहाँ मैंने लिख दिया प्लस फाइव। और यहाँ पर लिखा है माइनस टू, तो यहाँ मैंने लिख दिया माइनस टू। तो मैंने क्या किया समझ में आया, मैंने ये वन यहाँ से कॉपी किया, दिस वन इज वन, ये जो मैंने यहाँ पर कॉपी किया, और बाकी ये सारे जो है इसके कोफिशियंट लिखे हैं मैंने, एग्री। अब देखो डिवाइड कैसे करते हैं, एक बार जरा सीख लो बच्चे लोग डिवाइड कैसे होता है। मैं क्या करूंगा, पहले वाले स्टेप में यहाँ पर जीरो को कॉपी कर दूंगा, यही पहला स्टेप है। पहला स्टेप में जीरो को लिख दिया, ठीक है। अब दोनों को ऐड करो, वन प्लस जीरो कितना हो जाएगा वन। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इससे और इससे मल्टीप्लाई करो, सीखते जाना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो वन इंटू वन कितना हो जाएगा वन, फिर से दोनों को ऐड करो, माइनस फोर प्लस वन हो जाएगा थ्री। अब फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को फिर से मल्टीप्लाई करना है मेरे को, आई बस समझ में। तो हो जाएगा वन इंटू थ्री थ्री, ऐड कर दो, ऐड कर दूंगा तो हो जाएगा मेरे पास एट, एक्सेप्टेड। यहाँ तक कंफर्टेबल, ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा विच इज, अच्छा ये माइनस थ्री होगा ना, ये माइनस थ्री, हाँ टू होगा बच्चे, दिस इज माइनस थ्री। और जैसे मैं इसको सॉल्व करूंगा यहाँ पर आ जाएगा टू, ठीक है। तो
तो ये हो गया टू। अब फिर से इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को फिर से मल्टीप्लाई करो, तो वन इंटू टू हो जाएगा टू, और जैसे ऐड करोगे तो माइनस टू और प्लस टू हो जाएगा जीरो। तो ये मिल गया मेरे को फाइनल वाला टर्म। अब अगर बात को समझना, अगर आप ना ये वाला जो मेथड मैंने आपको बताया आप अगर सही सॉल्व कर रहे होगे, हाँ जैसे सिंथेटिक डिविजन बोलते हैं आशुतोष, जब उसको सही सॉल्व कर रहे होगे तो आखिरी वाला जो टर्म है आपको ऑटोमेटिक जीरो मिलेगा। अगर ये ऑटोमेटिक जीरो मिला इसका मतलब समझना कि आपने सही काम किया है। एग्री? अब जरा इस वाली बात को सुनना, ये वाली बात जो कन्वे कर रहे हैं, ये जो आपको मिलता है ना बच्चे वन माइनस थ्री और टू, ये क्या होता है सर? ये दरअसल जब ये डिवाइड होगा, पावर थ्री जब पावर टू से डिवाइड होगा तो पावर टू का एक्सप्रेशन बनेगा, तो ये पावर टू का आपको कोफिशियंट मिलता है। ये वन यहाँ पर लैम्डा स्क्वायर का कोफिशियंट है, ठीक है, ये माइनस थ्री ये लैम्डा का कोफिशियंट है, ये टू एक कॉन्स्टेंट टर्म है, पॉइंट है समझ में? तो ये दोनों डिवाइड हो गए और फाइनल ये वाला एक्सप्रेशन मिल गया। अब ये लैम्डा स्क्वायर का एक्सप्रेशन आप डिवाइड करना जानते हो, जैसे आप लैम्डा स्क्वायर के इस एक्सप्रेशन को तोड़ोगे तो लैम्डा माइनस वन और लैम्डा माइनस टू में ब्रेक हो जाएगा, जैसे आप सॉल्व करो तो लैम्डा इज इक्वल टू वन कॉमा टू आ जाएगा। आगे बात पकड़ में, तो मेरे पास ना तीन वैल्यूज आ गई है, वी हैव थ्री आइगन वैल्यूज। तो अगर आपसे मान लिया क्वेश्चन में पूछता कि भाई कितनी आइगन वैल्यूज आएंगी, तो वी हैव थ्री आइगन वैल्यूज, वन वन एंड टू, ये आएंगी वो थ्री आइगन वैल्यूज, ठीक है। एक ये वाला है, देख लीजिए उसको मार्क कर देता हूँ आपके लिए, एक ये वाला है ना, एक ये वाला है और एक दो वैल्यूज ये वाली है। तो यहाँ पे टोटल तीन वैल्यूज लिखी है क्योंकि उसने क्वेश्चन में पूछा था भाई मैक्सिमम कौन सा होगा और मिनिमम कौन सा होगा। तो मैक्सिमम इसमें मेरे को दिखाई दे रहा है टू और मिनिमम इसमें दिखाई दे रहा है वन, तो ऑप्शन में जहाँ पर टू और वन लिखा रहे वो आपका आंसर बनता। तो मैंने बहुत ही डिटेल में बता दिया, पर्पस वही था मेरा कि आपको एक बार ना पूरा कंप्लीट आइडिया लगना चाहिए। थोड़ा मोड़ा याद रहता है, थोड़ा मोड़ा हम लोग भूल चुके होते हैं, सुन लेने से कंप्लीट याद आ जाता है, ठीक है, एक्सेप्टेड। मैं आगे बढ़ जाऊं, किसी बच्चों को इसमें कष्ट है पूछ लीजिए कमेंट सेक्शन में, else डॉट कर दे समझ जाऊंगा ये क्या किया तुमने। हाँ बच्चे अलग समझ गए, बच्चे मैं वो बताऊंगा आपको अभी प्रॉपर्टीज, सारी प्रॉपर्टीज बताऊंगा, बस पेशेंस रखना, प्रॉपर्टीज आएंगी। मैं प्रॉपर्टीज तो बताई नहीं, मैं तो बोला ही था कि एक बार आपको रफ आइडिया दे दो कैसे सॉल्व होता है, प्रॉपर्टीज भी बताएंगे। संजीव ने भी मेंशन कर दिया, विनायक डिवाइड के लिए ना मैं आपको फिर से, इंद्र बच्चे मैं डिवाइड के लिए आपको जो है एक बार इसका वो प्रोवाइड करवाऊंगा आपको, क्या कहते हैं रिकॉर्डिंग, उसमें अपन मेंशन करेंगे, ठीक है। डिवाइड मतलब सुपर लेंथी होने वाला, फिर से अभिषेक जल्दी से बता दो क्या, डांटते हैं हम लोग कैसे बैठे बैठे बेहोश हो जाते हैं। अच्छा ये डिवाइड में फिर से रिपीट कर देता हूँ, चलो सुन लो जल्दी से सुन लो एक बार, लेकिन बच्चे लोगों को ख्याल कर रहा है ना, मतलब उसमें क्या है कि थोड़ा लेंदी हो जाता है बहुत सारा। चलो सुनते हैं, देखो बच्चे एक बार डिवाइड फिर से बता रहे, डिवाइड एक बार फिर से बता रहे, आप सारे बच्चों को सीख लेना है, डिवाइड फिर से बता रहे एक बार सुन लो, कुछ नहीं होता, सुन लो फिर से सुन लो। हाँ बच्चे हर्ष ऐसे जल्दी जल्दी बता देते, जल्दी जल्दी बता देते, तो जाएगा फाइव लैम्डा माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। चलो देखो जरा, इसको मैं लैम्डा माइनस वन से डिवाइड करूंगा, तो डिवाइड कैसे करते हैं जरा इतना से सुन लो। डिवाइड करने के लिए ये वन पहले कॉपी होता है, ये वन यहाँ से है, लैम्डा माइनस वन इज इक्वल टू जीरो करूंगा तो यहाँ से लैम्डा इज इक्वल टू वन रिलीज होगा, ये है वो वन, पता चला। अब इस वाले सेक्शन में क्या करना होता है, इस वाले सेक्शन में से कोफिशियंट लिखने होते हैं, इसका कोफिशियंट क्या है वन, तो हो गया वन। इसका कोफिशियंट क्या है माइनस फोर, तो ये आ गया माइनस फोर। This one is 5, ये आ गया 5, and this one is minus 2, ये आ गया minus 2, ऐसे करना होता है, ठीक है। अब सॉल्व करूंगा तो पहला स्टेप लिखूंगा, पहला स्टेप होता है कि जीरो को कॉपी कर दो, पहला स्टेप होता है जीरो आंख बंद करके लिख देना और इन दोनों को ऐड कर दो, 1 प्लस 0 कितना हो जाएगा 1, अभी दोनों मल्टीप्लाई होंगे 1 इंटू 1 हो जाएगा 1, ठीक है। अभी दोनों को ऐड करूंगा माइनस 4 प्लस 1 आ जाएगा माइनस 3, एग्री। अभी दोनों मल्टीप्लाई होंगे 1 इंटू माइनस 3 इज माइनस 3, ठीक है, तो ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा 2, अभी दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा 1 इंटू 2 इज 2, 2 माइनस 2 इज 0, तो अगर आप सही सॉल्व करोगे तो लास्ट वाला ऑटोमेटिक क्या आना चाहिए 0, ठीक है। तो ये आपको एक्सप्रेशन मिल गया 1 माइनस 3 और 2, ये लिए बात अपन एग्री करते हैं। तो जरा सुनते हैं इतने से, ये 1 माइनस 3 और 2 कुछ और नहीं है, वो लैम्डा स्क्वायर लैम्डा के कोफिशियंट है, तो ये लैम्डा स्क्वायर कोफिशियंट इज 1, ये लैम्डा कोफिशियंट इज माइनस 3 एंड व्हिच इज कॉन्स्टेंट 2, ये मिल गया, ठीक बच्चे लोग एग्री, आगे भागो, डन। चलो चलो शाबाश, गुड 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 दुर्गा गुड। ये कैसे इतने सारे डॉट तुम लिख लिख के पूरे चैट बॉक्स को खराब किए जा रहे हो, कौन है ये, नाम भी नहीं दिखता उसका। अगली हेडिंग आप बच्चों के लिए, अभिषेक
बच्चे ये जो डिवीजन है ना, जब आप पावर थ्री को पावर उससे डिवाइड करते हैं, टू वन से, तो उसके लिए हाँ कर सकते हैं वैभव, वाली प्रॉपर्टी अभी बताने वालों में, बिल्कुल कर सकते हैं। आपने बहुत जबरदस्त सोचा है वैभव, और आपने सोचा है मजाक है कि वो गलत हो जाए, फोड़ू आप वैभव एकदम। गुड, चलो प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यूज, बहुत बातें करते हैं हम लोग, चलो थोड़ा भी नहीं सुधरते। घर वाले बच्चे बोलना नहीं दे रहे क्या? कुछ बोलो घर में तो वो लोग जो है एकदम डांट पड़ के चुप करा देते हैं क्या? हाँ आगे चल रहे बच्चे, सुनील देखो ना मेरा तो पेन चल ही रहा है। एक बार समझा दो इसे, कॉपी हो गया? क्या कह रहे हैं वो, कुछ एक बार प्रॉपर्टी में सुन लीजिए। चलो सुनिए, सुनते हैं चलो क्या कह रहे हैं वो। लैम्डा वन, लैम्डा टू, लैम्डा एन, मतलब ये आइगन वैल्यूज है ना। हाँ बच्चे गीतिका शाबाश। लैम्डा वन, लैम्डा टू, लैम्डा एन जो है ये आइगन वैल्यूज है। जैसे अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में जो है तीन आइगन वैल्यू आई थी, उसके पहले वाले क्वेश्चन में दो आइगन वैल्यू आई थी, है ना। तो कितनी भी आइगन वैल्यू आ जाए, एन यहाँ तक लिख दिया मैंने, किसी भी मैट्रिक्स ए के लिए, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि अगर आपने मैट्रिक्स में के का मल्टीप्लाई करा दिया, तो के का मल्टीप्लाई करा होगा तो उसके हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा ना, तो जो हर एक आइगन वैल्यू होगी, पहले लैम्डा वन थी तो मैट्रिक्स में जब के का मल्टीप्लाई करो तो के लैम्डा वन हो जाएगा, पहले लैम्डा टू थ्री मैट्रिक्स में के का मल्टीप्लाई तो के लैम्डा टू हो जाएगा, पहले लैम्डा एन थी मैट्रिक्स में के का मल्टीप्लाई तो के लैम्डा एन हो जाएगा। तो वो कुछ नहीं कह रहा है, अगर किसी मैट्रिक्स में आपने किसी भी स्केलर नंबर का मल्टीप्लाई करवाया तो उसकी आइगन वैल्यू भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाती है, ये प्रॉपर्टी है। हो सकता है आने वाले टर्म पर, आने वाले क्लास पर आपको इस पे क्वेश्चन मिले, तो बस प्रॉपर्टी ध्यान रखो, मैट्रिक्स में प्रॉपर्टीज बिल्कुल आपके एग्जाम में पूछी जाती है ना। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, नाउ वी आर गोइंग फॉर प्रॉपर्टी नंबर टू। एक बार इसे लिखो फिर इसको भी समझाता हूँ जल्दी से। चलो सुनते हैं, देखो इस वाली लाइन पे तो अब सारे बच्चे समझ रहे हैं, कुछ नहीं कह रहा है। अगर मैट्रिक्स ए का आइगन वैल्यू लैम्डा वन, लैम्डा टू, लैम्डा एन है, तो मैट्रिक्स ए इनवर्स का आइगन वैल्यू वन अपन लैम्डा वन, वन अपन लैम्डा टू, वन अपन लैम्डा एन होती है, ठीक है। एकदम सीधी बात थी,
नाउ वी आर गोइंग फॉर प्रॉपर्टी नंबर थ्री. हाँ मृणाल बच्चे, मैं आपको बिल्कुल लास्ट वाली स्लाइड दिखा देता हूँ, पीछे एक बार लिख लो फिर उसे दिखा दे. तो एकदम सीधी बात हो गई भाई, अगर मैट्रिक्स ए का जो आइगन वैल्यू अगर लैम्डा वन लैम्डा टू लैम्डा एन है, तो ए की पावर के का लैम्डा वन की पावर के लैम्डा टू की पावर के लैम्डा एन की पावर के होगा. एक्सेप्ट करते अपन इस वाली बात को, ये ठीक है, कंफर्टेबल? पिछली साइड देख लो मना, ये थी पिछली साइड. आगे बढ़ जाओ, चलिए आराम से पेशेंस रखो, बिल्कुल मत हड़बड़ाओ. मैं बहुत तेज पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मेरा पर्पस पढ़ा कर ना निपटाना नहीं है, पढ़ाकर चीजों को बस खत्म नहीं कर देना कि चलो भाई मेरा काम तो हो गया, बाकी बच्चों को समझ में नहीं आया उनकी गलती, मैं क्या करूँ उस पर. मैं चाहता हूँ कि आपको ना समझ में आए, ऑल्दो सेशन ऑनलाइन है लेकिन फिर भी एक इंटरेक्शन होना चाहिए आपके साथ में. हमें प्रीवियस स्लाइड क्षितिज को फिर से दिखाऊंगा. इत्मीनान से मेरे साथ प्रैक्टिस करते हुए चलो, चीजों को दिमाग में फिट करते हुए चलो, है ना, बिल्कुल मत हड़बड़ाओ. हाँ इसे लिख लो क्षितिज, मैं फिर आपको प्रीवियस स्लाइड दिखाता हूँ. हाँ श्वेता को भी प्रीवियस स्लाइड दिखाएंगे, एक बार इसे लिख लो. क्या कहता है, आइगन वैल्यूज ऑफ ए is equals to eigenvalues of a to the power t. a to the power t कहने का मतलब उसका transpose से. तो चाहे आप eigenvalue a की निकालो, चाहे आप उसके transpose की निकालो, दोनों की eigenvalue same आएगी. ठीक है बच्चों के लिए मैं एक बार जो है previous slide दिखा देता हूँ. ये रहे बच्चों previous slide. Copy. आगे बढ़ जाओ. चलिए. We are going for question number 5. चलिए मतलब प्रॉपर्टी नंबर 5. नंबर ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू साइज ऑफ मैट्रिक्स. ये भी एक पॉइंट हो गया. जैसे अपन ने क्वेश्चन नंबर 2 में जो है 2x2 का मैट्रिक्स सॉल्व किया था, तो उसकी आइगन वैल्यू 2 आई थी. जैसे क्वेश्चन 3 में हमने 3x3 का मैट्रिक्स सॉल्व किया था, उसके आइगन वैल्यूज 3 आई थी, है ना. तो ये भी कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो उसका साइज होगा उतनी ही आपको आइगन वैल्यूज भी मिलती है. ठीक है चलिए अगली वाली बात है. सम ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए, है ना. अगर किसी बच्चों को डाउट है कि ट्रेस क्या होता है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चों के लिए, मैंने बताया नहीं था अभी बता देता हूँ. ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट. ठीक है तो इसे भी साथ में लिख लीजिएगा. तो ये बहुत ही सीधी बात है कि जो आइगन वैल्यूज का जो सम होगा वो किसी मैट्रिक्स के ट्रेस के इक्वल होगा, और ट्रेस कुछ और नहीं होता है, वो डायगोनल एलिमेंट का सम होता है. सर ये कैसे होता है, वो मैं आने वाले क्वेश्चन क्लास में क्वेश्चन लूंगा तब उस वक्त समझा दूंगा, उसके लिए आपको बिल्कुल वरी नहीं होना. अगली प्रॉपर्टी लिखनी है आपको, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ मॉड ए. बताया ना ट्रेस, शाबाश. प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए. ठीक है ये मॉड कुछ और नहीं है, उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है, बस इतना ही. ठीक है ना मेरी सलाह है कि ना अगर समय मिल रहा है, जैसे मैं समय दे रहा हूँ आपको,
तो उसे मगअप भी करते चलो, उन प्रॉपर्टीज को मेरे साथ याद भी करते चलो, है ना, सिर्फ लिख लिया फिर उसके बाद आराम से बैठे हैं कि कब अगली प्रॉपर्टी है यार, उसे याद करो ना। हाँ बच्चे हर्ष एकदम सही बात है कि प्रिंसिपल डायगोनल में ही आप ट्रेस लेते हैं, एकदम सही बात है बच्चे, ठीक। चलिए एटलीस्ट वन आइगन वैल्यू, एटलीस्ट वन आइगन वैल्यू इज जीरो इफ मैट्रिक्स इज सिंगुलर, इफ मैट्रिक्स इज सिंगुलर, ठीक है। सिंगुलर हो सकता है कि मैंने आपको ना पिछले क्लास में बताया, अगर आपको याद आ जाए तो, कोई मैट्रिक्स सिंगुलर तब होता है जब उसका डिटरमिनेंट जीरो हो जाता है, ठीक है। चलो शाबाश अनिकेत, प्रिंसिपल डायगोनल क्या होती है एक बार आपको वो भी समझा देता हूँ मैं, उसे भी एक बार सुन लेते हैं, ये वाली लाइन को सुन ले फिर अनिकेत का डाउट ले लेंगे। वो कह रहा है कि मैट्रिक्स अगर सिंगुलर हुआ, सिंगुलर होने का मतलब है कि उसका अगर डिटरमिनेंट जीरो हो गया है ना, तो उसकी कम से कम एक आइगन वैल्यू, तो उससे ज्यादा भी हो सकती है, कम से कम एक आइगन वैल्यू तो जीरो होगी ही होगी, वो ये कहने की कोशिश कर रहा है। एग्री। प्रिंसिपल डायगोनल क्या होते हैं, अनिकेत को डाउट है, लिख देता हूँ, मान लिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, तो ये वाला जो शेप होता है ना बच्चे, ये वाला शेप, इसे अपन प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं। जिन बच्चों को कष्ट हो गया प्रिंसिपल डायगोनल क्या होते हैं इसे कहते हैं। अब देखो डायगोनल आपको पता थी, अब प्रिंसिपल डायगोनल बोल देते अपन कंफ्यूज हो गए, कुछ और थोड़ी वही है डायगोनल और प्रिंसिपल डायगोनल, अपन जो है इसी फॉर्म में यूज करते हैं, अलग अलग ये भी ले सकते हैं, किसी बच्चे ने पिछली बार शायद पूछा सर ये क्यों नहीं लेते, भाई प्रिंसिपल डायगोनल ही लेते हैं हमेशा। अनिकेत को क्लियर हो गया, चलो आगे बढ़ते, कॉपी हो गया, चेंज कर रहा हूं, चलो कितना हो गया था अपना 8 हो गया ना, 9 पे चल रहे, प्रॉपर्टी नंबर 9, इन अ ट्राइगोनल, इन अ ट्राइंगुलर एंड डायगोनल मैट्रिक्स, इन अ ट्राइंगुलर एंड डायगोनल मैट्रिक्स आइगन वैल्यूज आर डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। एक बार ये प्रॉपर्टी हाँ बच्चे जितेश, दोनों ही बातें सेम होती है, साइज बोल लो चाहे ऑर्डर बोल लो, एक ही बात होती है, ठीक है। मैं एक बार से रीड कर दे रहा हूँ, सुन लेते हैं। यहाँ पर वो कह रहा है कि इन अ ट्राइंगुलर एंड डायगोनल मैट्रिक्स आइगन वैल्यूज आर डायगोनल एलिमेंट्स themselves, मतलब वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर आपने ट्रायंगुलर या डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में सोचा, ठीक है, ट्रायंगुलर और डायगोनल मैट्रिक्स मैंने आपको फर्स्ट तरीका से बहुत ही डिटेल में बताया था, अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर शायद अगर आपको याद आ जाए, तो एक एग्जाम्पल लिख देता हूँ अपर ट्रायंगुलर का, 1 2 3 4 5 0 0 0 6, ठीक है, तो ये हो गया अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, है ना। तो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं इसमें अपन, कोई भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आप लोगे या फिर डायगोनल मैट्रिक्स लोगे, तो जो आइगन वैल्यूज होंगी ना, आइगन वैल्यूज होंगे ना, ये एक एग्जांपल है बच्चे लोग बस, और इसके अलावा कुछ नहीं है, जो आइगन वैल्यूज जो होंगी ना वो डायगोनल एलिमेंट्स इटसेल्फ होंगी। तो यहाँ पर डायगोनल के एलिमेंट कौन कौन से, ये रही हो प्रिंसिपल डायगोनल, जिसके एलिमेंट क्या क्या है मेरे पास, 1 4 एंड 6, ठीक है, तो 1 4 6 ही उसकी आइगन वैल्यू बन जाएगी। तो वैभव ने ना बीच में अभी एक जबरदस्त वाली लाइन बोली थी और उससे पूछा था क्या क्या सर मैंने सही सोचा, तो वैभव आपने बेहतरीन सोचा था, तुम फोड़ दिया था आपने, यही बात आपने सोची थी वैभव, ठीक है। तो ये हो गया 1 4 6, ये लाइन एक्सेप्ट होती है बच्चों को, एक्सेप्टेड। मैं आगे बढ़ जाऊं बच्चों के लिए, आप लोग ने बच्चे लोग कुछ कमेंट सेक्शन में बताते हैं, हाँ बच्चे अलग ने बता दिया,
सियानी ने बता दिया, दुर्गा से बता दिया, मैंने बता दिया। दुख होता है कि बच्चे लोग ऐसे एक तो टेक्स्ट टाइप करने में, अरे यार फिर उंगली को कष्ट देना पड़ रहा है, एक तो वैसे ही इतना लिखवा रहे, फिर ऊपर से डॉट भी करवाते, एक छोटी सी जान कितना सारा काम करेगी, ऐसे लगता है चलो। अरे वो कर दिया करो ना थोड़ा बहुत, तो चैट सेक्शन सेक्शन में तो मेरे को क्या ऐसे, तो ऐसे नहीं तो पता है मेरे को क्या फील होता है, मैं तुमको अपने मन की बात बताता हूँ। मेरे को पता है ऐसे लगता है कि ना मैं वही वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, और मेरे को ना इस दुनिया का ना सबसे एकदम झेलाने वाला काम ना वीडियो रिकॉर्डिंग ही लगता है। क्यों पता है, वो कैमरे के सामने जो है ना खड़े हो जाओ और अपना ही बोलते रहो, अपना ही पढ़ाते रहो, अपने ही खुश होते रहो, कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं, कौन पढ़ रहा है क्या हो रहा है कुछ नहीं पता है, बस बोले जा रहे कैमरे को देख के, एकदम बोरिंग सा काम लगता है मेरे को। मैं इसलिए ना वीडियो रिकॉर्डिंग ज्यादा करता ही नहीं। तुम देखते हो ना मेरे चैनल में ना, मतलब अपने आईगेट के चैनल में जो है मेरे वीडियो सबसे कम आते हैं, देखते हो, वो इसीलिए आते हैं, मैं एकदम पक जाता हूँ। चलो बहुत मस्ती कर ले, चलो सुनो देखो क्या कह रहे हैं। प्रॉपर्टी नंबर 10 एक्सप्लेन करो, चलो 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 चलो। हाँ बच्चे संजीव बहुत कम है। हाँ हाँ बच्चे लोग, हाँ अच्छा न्यू लुक देखा क्या आदित्य ने। हाँ बच्चे, हाँ बिल्कुल, चलो बच्चे चलो चलो सुनते, देखो क्या कह रहे हैं। सिमिलर मैट्रिक्स हैव सेम आइगन वैल्यू। आदित्य में वो KGF 3 में कास्ट हो गया, पता चला कि नहीं तुमको, KGF 3 में मिलूंगा बच्चे अभी। सिमिलर मैट्रिक्स हैव सेम आइगन वैल्यू। सेम आइगन वैल्यू कहने का क्या मतलब है कि अगर कोई मान लिया दो मैट्रिक्स सेम है, मतलब कोई भी मैट्रिक्स सेम कैसे थे पहले ये समझ लो, कोई मैट्रिक्स सेम सिर्फ तब होते हैं जब उनका ना हर एक एलिमेंट सेम होता है। हर एक एलिमेंट अगर सेम होगा तो उसकी आइगन वैल्यूज भी क्या होंगी, सेम होगी। क्षितिज को डांटते। हाँ हर्ष, बच्चे वहां पे ना डायरेक्टर की कमी है, उसकी जगह खाली, आप अप्लाई कर दो बच्चे। अगला क्वेश्चन नंबर, प्रॉपर्टी नंबर 11। इफ इफ ए एंड बी आर, चलो प्रॉब्लम नंबर 11 पे ना पैरेलल हाथ भी चलते रहना चाहिए, ये नहीं कि बस बातें करने लग गए। एक्ट्रेस बच्चे, अच्छा हाँ अच्छा तो भी बता रहे हैं एक्ट्रेस, हाँ वही है बस, वही 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 वही। हाँ बच्चे बस वही वही वही। हाँ बच्चे भाई, हाँ वो नरेश बच्चे, उसके लिए जैसे कभी आप क्लास व्लास में आए होगे ना तो पता चल गया होगा। है बच्चे अभिषेक, कोई क्या बताऊँ, तुम कैसे जान गए सुनील? सुनील तुमको कैसे पता है ये बताओ तुम। अच्छा दीक्षा सब जानते हैं क्या, कैसे भी मैं तो इसे एकदम टॉप सीक्रेट रखता हूँ। हाँ चलो 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 चलो, अच्छा कि राहुल तुमने मेरे को याद दिला दिया। हाँ बच्चे चलो चलो इस टॉपिक पे कोई बात नहीं कर रहा है, इसको एक्सप्लेन कर देते। यश सिमिलर मैट्रिक्स क्या होता है बच्चे? कोई मैट्रिक्स सिमिलर होता है, जरा इतना से सुनते हैं, कोई मैट्रिक्स सिमिलर सिर्फ तब होता है
जब उसके हर एक एलिमेंट सेम होते हैं, ठीक है। कोई मैट्रिक्स सिमिलर तब होगा जब उसके हर एक एलिमेंट एकदम सेम टू सेम होंगे, तो उसे अपन सिमिलर मैट्रिक्स बोलेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 11 एक्सप्लेन करो, मुझे लगे सुन लीजिएगा। इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिक्सेस ऑफ सेम ऑर्डर, देन मैट्रिक्स ए बी एंड मैट्रिक्स बी ए विल हैव सेम आइगन वैल्यू। वो ये क्या कहने की कोशिश कर रहे, सुनना जरा। वो कह रहे हैं कि अगर ए और बी दो मैट्रिक्स होंगे जिनकी ऑर्डर सेम होगी, ऑर्डर सेम होगी कहने का मतलब ये है कि दोनों ही 3x3 वाले होंगे, या फिर दोनों ही 2x2 वाले होंगे, या फिर दोनों ही 4x4 वाले होंगे, इनमें से कोई भी हो, लेकिन दोनों के लिए सेम होना चाहिए, है ना। तो जरा इत्मीनान से सुनते हैं बच्चों लोग क्या कह रहे हैं। वो कह रहा है क्वेश्चन में कि बच्चों मेरे एंड से नहीं हो रहा आकाश, ऑटोमेटिक वो टेक्निकल इशू आ रहा है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में जरा इसे समझ लीजिएगा। क्वेश्चन में दरअसल वो ये कह रहा है कि अगर प्रॉपर्टी नंबर 11 समझा रहा हूँ कि अगर जो है दो मैट्रिक्स हो, दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, तो चाहे आप ए बी मैट्रिक्स मतलब ए इंटू बी करो, है ना, चाहे आप बी इंटू ए करो, चाहे ए इंटू बी करो, चाहे बी इंटू ए करो, उन दोनों के आइगन वैल्यूज कैसे आएंगी, सेम आएगी। हाँ बच्चे ठीक ठीक आकाश, पॉइंट आ गया समझ में। तो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, पॉइंट बता रहे, पॉइंट ये है कि अगर ए और बी दो मैट्रिक्स है जिसकी ऑर्डर एकदम सेम है, तो ए बी और बी ए दोनों की ही आइगन वैल्यूज कैसी होंगी, सेम होगी। तो ये वाली बात पता है लिख कर देने की क्या जरूरत थी, ये वाली बात लिख कर देने की जरूरत ये थी कि ए बी और बी ए मैट्रिक्सेस जरूरी नहीं कि उनकी वैल्यूज सेम हो, ये मैट्रिक्सेस में जरूरी नहीं कि सेम। पॉइंट है समझ में, एक्सेप्टेड। नहीं जितेश बच्चे ए और के को सिमिलर इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि के तो कोई एक स्केलर क्वांटिटी होगी ना, जिसका जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा ए में, तो वो सिमिलर कैसे हो जाएगा, तो वो सिमिलर नहीं है जितेश। विशेष का क्वेश्चन है कि ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे क्या। बच्चे डिटरमिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकल सकता है ना, और आइगन वैल्यूज निकालने के लिए तो हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है भाई, उसका डिटरमिनेंट को जीरो करना पड़ता है ना, तो डिटरमिनेंट ही नहीं निकाल पाओगे। तो हाँ बच्चे उसको स्क्वायर होना पड़ेगा, ठीक है। सिमिलर मैट्रिक्स मतलब सेम टू सेम, आशुतोष का पॉइंट एकदम सही है, गुड। तो ये वाली लाइन आप समझ गए, प्रॉपर्टी नंबर 11 एक बार कमेंट सेक्शन मेंशन कर दो। वैसे भी बहुत सिंपल लैंग्वेज लिख रही है, आप पढ़ लोगे तो लैंग्वेज भी समझ जाओगे। मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ सीधा क्वेश्चन पे, एग्री। कमेंट सेक्शन में बता दो, जल्दी से बता दो एकदम। शाबाश, गुड 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 गुड, बढ़िया। नाउ वी आर गोइंग फॉर प्रॉपर्टी नंबर 12। प्रॉपर्टी नंबर 12 The eigenvalues of Hermitian matrix are real. Hermitian matrix याद है बच्चों को, जिसमें a की पावर थीटा एक एक वाल हो जाता है, एक ही पावर थीटा याद है बच्चों को, जिसका कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज अपन लेते हैं, ठीक है। शाबाश, ये वाली बात याद रख लेना, ये वाली प्रॉपर्टी ना सुपर इंपॉर्टेंट है, और आप देखोगे कि ना कई दफा एग्जाम में ना ये वाली प्रॉपर्टी पूछी गई, मैं आपको क्वेश्चन भी लेकर बताऊंगा, एग्री। चलो सुनते हैं आगे, प्रॉपर्टी नंबर 13 आपको बताने वाले, कह रहे हैं The eigenvalues, of real symmetric matrix are real, ठीक है। तो ये वाली बात भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गई, अगर सिमेट्रिक होगा तो भी रियल होगा, हर्मिशियन होगा तो भी रियल होगा। नंबर 14, सिमेट्रिक याद है वो भी लिख दूं क्या, यहीं पे लिख देता हूँ। सिमेट्रिक होता है ए की पावर टी इज इक्वल टू ए, शाबाश। अगला है आइगन वैल्यूज ऑफ skew symmetric matrix मतलब कि a to the power t is equal to minus a, etc।
एक्सेप्टेड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ईदर प्योर इमेजिनरी और जीरो. ठीक है, ये हो गई प्रॉपर्टी नंबर 14. नाउ वी आर गोइंग फॉर 15. सेम ऐसे ही रहेगा. आइगन वैल्यूज ऑफ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, मतलब कि ए की पावर थीटा इज इक्वल टू माइनस ए आर इधर प्योर इमेजिनरी और जीरो. तो जैसे हर्मिशियन के लिए रियल था, सिमेट्रिक के लिए रियल था, वैसे स्क्यू सिमेट्रिक के लिए इमेजिनरी या जीरो होगा, हर्मिशियन के लिए इमेजिनरी या जीरो होगा. थोड़ा सा ना बच्चे लोग राइटिंग को लेकर ना माइंड मत करना, वो टैब में ना थोड़ा भी मेरा हाथ सेट नहीं है, तो इसलिए मैं जो मना ऐसे हाथ घस देता हूँ उसमें. आपको बहुत ही उटपटांग से नए नए टाइप के अक्षर दिखते होंगे, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा. तो मैं धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए, एकदम जैसा आप लोग लिखते हो ना सुंदर सुंदर अपनी कॉपी में, वैसा ही आपके लिए लिखो. हाँ निशाश, थैंक यू. नाउ वी आर गोइंग फॉर क्वेश्चन प्रॉपर्टी नंबर 16. कुशल, इतना अच्छा लगेगा तुमको मेरा राइटिंग, थैंक यू यार. तुम ही बच्चे मेरा असली स्टूडेंट हो, तुम ही एकदम असली बच्चे जो इतनी सड़ी राइटिंग को भी एकदम गुड बोल दिया. आगे बढ़ते हैं. अरे बाप रे, अलग अलग तुम जब मिलोगे ना तुमको पार्टी देंगे बच्चे. क्या खाओगे बच्चे? पार्टी तो बच्चे तुमको लेना पड़ेगा, मतलब मेरे दिल को लग गई अली बात. बस विनायक एक आध और है, एक आध और थक गए क्या बच्चे? बस एक आध और है. ठीक दीक्षा, ठीक. हाँ प्रीवियस स्लाइड में ललिता को भी दिखाऊंगा. द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स या फिर आइगन वैल्यूज ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स, ऑफ अ यूनिटरी मैट्रिक्स मतलब कि ए की पावर थीटा इज इक्वल टू ए की पावर माइनस वन आर ऑफ यूनिट मॉडुलस, मतलब कि मॉड ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू 1. ठीक है, और लास्ट प्रॉपर्टी है बच्चे आइगन वैल्यूज ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. नवेंद्र ने तो एकदम डीप बात बोल दिया. नवेंद्र कैसे बच्चे? जबरदस्त बात बोली बच्चे तुमने तो, सच बात है सर. अपने बस समझ में आ जाए बात खत्म. ये बच्चे तुम्हारे लिए एडवांटेज है नवेंद्र, लेकिन जो तुम्हारा ना वो एग्जाम पेपर चेक करता होगा ना सीएसयूटी में, जो तुम्हारा एग्जामिनर बनता होगा, उसके लिए सजा है बच्चे. पता है वो जानता होगा कैसे तुम्हें नंबर दे रहे, जरा दे ही नहीं पाता होगा. क्या लिखा है पता नहीं लड़का. आइगन वैल्यूज ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स याद है, आर आल्सो यूनिट मॉडुलस. ठीक है, कंफर्टेबल है? तो ये हो गई सारी की सारी प्रॉपर्टीज एकदम कंप्लीट, सारी प्रॉपर्टीज एकदम कंप्लीट हो गई. अब मैं आगे बढ़ जाऊं, एक आध प्रॉपर्टी पर क्वेश्चन भी करके बता देता हूँ. हाँ ये भी बात सही है समीर, बस पन्ने भर दो, वो पढ़ते का तो पन्ने गिन देते हैं. बच्चे ने जो 20 पन्ना भरा है 20 नंबर दे देता हूँ. हाँ प्रीवियस स्लाइड अंकित के लिए ये रही, फिर उसके बाद ये रही,
बस गीतिका, बस ये बच्चे लोग कॉपी कर ले, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। एक आप क्वेश्चन आपको करके बताऊंगा मैं भी। प्रॉपर्टी 16 एक बार समझा देता हूँ। प्रॉपर्टी 16 में मुझे सीधी बात कही उसने एकदम। उसने क्या कहा है कि यूनिटरी मैट्रिक्स अगर होगा जिसके लिए कंडीशन होती है, तो उसके लिए आपको यूनिट मॉडुलस मिलेगा। मतलब जो आइगन रूट्स होंगे ना वो कुछ और नहीं होंगे, वो वन या फिर माइनस वन होंगे, बस इतनी बात है। ठीक है, मतलब यूनिटरी मैट्रिक्स के लिए हम मैं 15 बता देता हूँ। हाँ बिल्कुल बदल देता। तो पॉइंट ये है कि यूनिटरी मैट्रिक्स के लिए जो आइगन वैल्यूज होती है वो यूनिट मॉडुलस आती है, मतलब वन या माइनस वन आती है। सिमिलरली ऑर्थोगोनल के लिए भी जो भी आइगन वैल्यूज आएंगी वो प्लस या माइनस वन आएंगी। ठीक, संजीव बस आपको स्क्रीनशॉट लास्ट में बिल्कुल मिलेगा, एक बार देख लो जल्दी जल्दी। ये प्रॉपर्टीज हैं जो आप बच्चों को देखना है, फटाक से देख लो। 15 एक बार बता देता हूँ, बच्चे ने बोला था 15 एकदम सीधी लाइन थी। क्या लाइन थी भाई? जो स्क्रू हर्मिशियन मैट्रिक्स होगा उसके लिए प्योर इमेजिनरी या फिर जीरो आपको मिलेगी आइगन वैल्यूज। ठीक है, एकदम सीधी लाइन है, स्क्रू हर्मिशियन के लिए इमेजिनरी या फिर जीरो मिलती है। हाँ 17 एक बार बोल देता हूँ मैं दिवेश दिनेश, इसे हो गया बच्चों ललिता, आगे बढ़ रहा हूँ मैं। 17 में क्या बोल रहा है? अगर मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल हुआ, एक्सेप्टेड मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल कब होता है, ये उसकी कंडीशन होती है। अगर मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल हुआ तो उसके लिए आपको आइगन वैल्यूज निकालने की जरूरत नहीं है। उसके आइगन वैल्यूज क्या आएंगी? यूनिट मॉड्यूलस आएंगी। यूनिट मॉड्यूलस आएंगे मतलब कि वन या फिर माइनस वन ही आने वाली है, बस ये वाला पॉइंट है। ठीक, अगर कुछ कुछ मान लिया प्रॉपर्टी ना अगर बच्चों को समझ में नहीं आई ना, कोई बात नहीं, मैं भी क्वेश्चन लेने वाला हूँ ना बच्चे, क्वेश्चन में तो उसका एप्लीकेशन दूंगा। तो अगर समझ में नहीं आई तो बस ऐसे सोचो कि सर ने भी समझाया नहीं है। ठीक है, हाँ तुषार बिल्कुल आपको मिलेगा बच्चे, अभी सर क्वेश्चन में समझाने वाले हैं। तो चलो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, फटाक से एक बार देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है फॉर द गिवन मैट्रिक्स, फॉर द तुषार बिल्कुल गिवन मैट्रिक्स लिखा हुआ है यहाँ पे 2 - 2 - 3 - 2 - 1 - 6 - 1 - 2 - 0। ठीक है, तो क्या कह रहा है एक बार सुन लेते हैं। ये मैट्रिक्स आपको उन्होंने जो है गिवन किया हुआ है और इसके लिए पूछ रहा है वन ऑफ द आइगन वैल्यू इज 3, फाइंड अदर 2 आइगन वैल्यूज। और उसके उसने ऑप्शन लिख कर दिया आपको 2 और -5, दूसरा ऑप्शन लिखा है आपके लिए 3 और -5, तीसरा ऑप्शन आपके पास 2 और 5, और फोर्थ ऑप्शन आपके पास 3 और 5। बच्चे लोग जरा फटाक से सॉल्व कीजिए। तो शाबाश बच्चे, गुड। चलो इसको ना हम लोग ना जैसा भी मैंने आपको दो क्वेश्चन सॉल्व करके बताया था ना डिटेल में, a - λ = 0 कर सकते थे, लेकिन अगर आपने a - λ = 0 के ना सुपर लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। आपको क्या करना था, आपको प्रॉपर्टी लगानी थी। कौन सी प्रॉपर्टी लगानी थी सर हम लोग को? प्रॉपर्टी दरअसल थी सम ऑफ, प्रॉपर्टी थी आपके पास सम ऑफ आइगन वैल्यू is equal to trace of matrix, और matrix का trace कुछ नहीं होता है, principal diagonal का sum होता है। principal diagonal ये है, तो ये हो जाता है 2 - 1 - 0। ठीक है, इन सभी का sum करो कितना आ जाएगा 1। इसका मतलब ये है कि आपको ना कुछ सॉल्व करके ऐसा निकालना था कि भाई आपको सम जो है तीनों आइगन वैल्यूज का 1 मिल जाए। तो एक आइगन वैल्यू आपको 3 गिवन है, दूसरी वैल्यू पूछ रहा है λ2 और λ3, तो मैंने ऑप्शन इसीलिए गिवन किया कि ऑप्शन से देख लीजिए, है ना। तो आप ऑप्शन से ये λ2 और λ3 की वैल्यूज लिखी हुई है, कोई भी वैल्यू ऐसी पुट करो ऑप्शन से जिससे आपको उसका सम जो है 1 के इक्वल मिल जाए। तो सारे बच्चों ने ऑप्शन बी मेंशन किया, तो मैं डायरेक्टली ऑप्शन बी की वैल्यूज ले लेता हूँ। जैसे आप यहाँ पर ऑप्शन बी की वैल्यूज पुट करोगे तो कैसा आपको दिखाई देगा, 3 + 3 - 5, तो 6 - 5 क्या हो जाएगा 1, और जो कि वो इस 1 के इक्वल हो जाएगा, तो 1 = 1 मुझे मिल गया, है ना। इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन बी जो है वो इस वाली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला था, ऑप्शन बी होने वाला था।
आइडिया लग गया बच्चों को। तो इस तरह के क्वेश्चन ना प्रॉपर्टी वाले एग्जाम में आते हैं। तो मैंने एक सिंपल क्वेश्चन लिया, ये वाला क्वेश्चन भी जो है दरअसल गेट एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया है, ये गेट 2006 का क्वेश्चन है। तो मैंने एक बेसिक क्वेश्चन लिया कि आपको एक बार प्रॉपर्टी अप्लाई करना सिखा सकूं एटलीस्ट, कि प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई होती है। ठीक है, आई होप कि आप सारे बच्चों को आइडिया लगा होगा। नाउ वी आर गोइंग फॉर क्वेश्चन नंबर टू। आइगन वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर, ठीक है, तो ये हो जाएगा -1, 3, 5, -3, -1, 6, 0, 0, 3। ऑप्शन है अपने पास 3। ईशांत मैं बिल्कुल बता देता हूँ, मुझे शिखा एक बार और बता देता हूँ, प्रेरणा बिल्कुल बता देते हैं, एक बार इस क्वेश्चन को लिख लो, उसको मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये वो क्वेश्चन है जो बच्चों को अभी सॉल्व करना है। बढ़िया बढ़िया, शाबाश। मैं बच्चों को पिछला क्वेश्चन फिर से बताऊंगा ना, परेशान मत होना। जिन बच्चों को पिछला क्वेश्चन समझ नहीं आया था ना, आप इस क्वेश्चन को लिख लो, वही सेम बात इस क्वेश्चन बताने वाला हूं, एकदम सेम बात इस क्वेश्चन में बताऊंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, हाँ बच्चे लोग शाबाश। चलो, जिन बच्चों को पिछला क्वेश्चन समझ नहीं आया था, इस वाले क्वेश्चन वही सेम बात बताने वाला हूं, एक बार फिर से सुन लीजिए। मैं इसमें ना वो बेसिक फंडे से सॉल्व कर सकता हूं, लेकिन मैं क्या करूंगा, प्रॉपर्टी लगाऊंगा। प्रॉपर्टी क्या है मेरे पास, प्रॉपर्टी है सम ऑफ आइगन वैल्यू is equals to, हाँ बच्चे बिल्कुल बिल्कुल सैनी, बिल्कुल सैनी, बस मैं छुट्टी कर रहा हूँ, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो sum of eigen value जैसे अब यहां पर करते, तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ट्रेस क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट का सम, -1, -1, +3, सॉल्व करते तो आ जाता +1, यही पता है समझ में। तो मतलब मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब कोई भी मैं इसमें से ऑप्शन पिक करूंगा, इनमें से कोई भी ऑप्शन पिक करूंगा और देखूंगा कि उसका जो सम है वो किसके इक्वल हो जाना चाहिए, 1 के इक्वल हो जाना चाहिए। ये है वो प्रॉपर्टी जिन मुझे पिछला क्वेश्चन समझ में आया, ये वाली प्रॉपर्टी उसमें लगानी थी। सम ऑफ आइगन वैल्यू शुड बी इक्वल टू ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। अब जैसे ही आपने डायगोनल एलिमेंट को सम किया, जैसे ही आपने डायगोनल सम किया, तो सम कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, सम आ गया 1, एक्सेप्टेड, सम 1 आ गया। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि अब मैं इसमें से ऐसा ऑप्शन पिक करूंगा जिससे आइगन वैल्यूज का सम जो है 1 हो जाए, एक्सेप्टेड। अब आइगन वैल्यूज का जैसे ही मैं सम चुनता हूँ, तो मैक्सिमम बच्चों ने डी कहा है, तो मैं डायरेक्टली डी ऑप्शन को चेक कर लेता हूँ। आप एक एक करके इनमें से किसी भी ऑप्शन को लगाकर देखिएगा। तो जैसे मैंने ऑप्शन डी की आइगन वैल्यूज को चुना, तो ये हो जाएगा 3 -1 +3j -1 -3j, है ना। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, -1 -1 -2, और 3 से जैसे -2 करोगे तो जाएगा 1, 1 इज इक्वल टू मिल गया 1, और यही इसका राइट आंसर है, और यही बच्चों ने बताया भी था। तो जिन बच्चों को प्रीवियस क्वेश्चन न क्लियर हो, मैंने ये वो सेम चीज इस क्वेश्चन में दोबारा बता दी। ये वाला क्वेश्चन भी गेट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है गेट 2019 का, मतलब 9 का, सॉरी। ठीक, तो मैंने आपको ना प्रॉपर्टीज के ना बच्चे लोग दो क्वेश्चन अभी सॉल्व करके बताए, प्रॉपर्टीज मैंने दो क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताए। फ्यूचर में हम लोग क्या करने वाले, फ्यूचर में हम लोग मतलब नेक्स्ट वाली क्लास में आइगन वैल्यूज की प्रॉपर्टी पर और भी अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले, और एट द सेम टाइम हम लोग क्या करेंगे, आइगन वेक्टर्स मुझसे निकालना सीखेंगे और सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो मेरी ना आइगन मतलब नेक्स्ट वाली जो क्लास होगी ना, उसके 3 टॉपिक मेन होने वाले। अगला टॉपिक होगा आइगन वेक्टर, जो कि आइगन वैल्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा टॉपिक होगा बच्चे लोग रैंक ऑफ मैट्रिक्स, और तीसरा टॉपिक होगा सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो नेक्स्ट वाली क्लास सुपर इंपॉर्टेंट है, धीरे धीरे क्लास का लेवल बढ़ा रहा हूँ,
आई होप कि आपने 3 क्लास में जो हमने सीखा है उसे एंजॉय किया होगा। नेक्स्ट वाली क्लास में थोड़ा सा लेवल और बढ़ाएंगे। जो बच्चे लोग एडवांस एक्सपेक्ट करते हैं ना, आप नेक्स्ट वाली क्लास से बच्चे लोग एकदम आप तैयार रहिएगा। एडवांस लेवल के क्वेश्चन नेक्स्ट वाली क्लास में आपका इंतजार कर रहे हैं, ठीक है? कंफर्टेबल यहाँ तक सारे बच्चे लोग? हम लोग जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वाले सेशन पर। सैटरडे को होगी आपकी क्लास, तब तक बने रहिएगा। थैंक यू फॉर कमिंग।